जो क्रिकेट कोच क्रिकेटर होता है पहले उसी से ही क्रिकेट पे जाता है, एंड आप डीपी आजाद सर के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड डीपी आजाद सर। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा स्टार्टिंग में, आपकी क्रिकेटिंग जर्नी कहाँ से शुरू हुई, एंड हाउ डिड दिस जर्नी टर्न टू बिकमिंग अ कोच? मेरे फादर साहब ओलंपियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट, लंदन में 48 की ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो मेरी एक फैमिली जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन की है, तो मेरे को पहली जो पोस्टिंग है, एक्चुअली मेरी पहली पोस्टिंग थी लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति की पहली पोस्टिंग थी। अगस्त में मेरे को जब अपॉइंटमेंट लेटर आई जॉब की, तो उन दिनों में वहाँ रास्ते बंद हो गए थे, ठीक है, वो बर्फ बुर्फ पड़ गई थी अगस्त के अंदर, तो वहाँ क्रिकेट खेला जाता था बस, गवर्नमेंट ने कर दी पोस्टिंग। तो मैं टॉपर था, नंबर वन डिमांड उनकी थी, तो वो लाहौल स्पीति के, जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो उसमें से अच्छा टैलेंट भी कई बार वो फिर छुप गुम हो जाता है। एंड इसी में पूछना चाहूंगा सर कि व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट इफ दे वांट टू मेक अ करियर इन क्रिकेट इन जनरल, मतलब अगर वो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं या फिर किसी लेवल पे खेलना चाह रहे हैं, तो वो कौन सी एज से शुरुआत करें, वो कौन सा एक नंबर है? 8-9 साल का बच्चा अगर खेलना शुरू कर दे, आना शुरू कर दे, ये नहीं सोचे उसके पेरेंट्स भी ये देश खेलेगा, 8-9 साल का बच्चा आना खेलना शुरू कर दे विदाउट एनी अनएक्सपेक्टेशन, भाई आना शुरू कर दे खेलेगा, वो पहले साल में समर वेकेशन पे भी पेरेंट्स के साथ जाएगा, सर्दियों में भी नहीं आएगा, है ना। फिर दूसरे साल में हमें पता लगता है, मुझे जो मेरा तरीका है देखने का, दूसरे साल में वो आएगा तो मैं देखता हूँ कितनी छुट्टियाँ कर रहा है, कितना रेगुलर आ रहा है। तो एक जो बेसिक है, जो जुनून है, वो आपको पता लग जाता है इस बच्चे में है, ये रेगुलर आ रहा है। नॉर्मली बात की जाती है क्रिकेट में कि सिफारिश भी चलती है, सिफारिश किस लेवल तक चलती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम तक जो खेल रहा है वहां तो नहीं चल सकती, क्योंकि वो तो एक नेक्स्ट लेवल टॉप लेवल आ जाता है। सिफारिश इनिशियली किसी को अंदर एंटर होने के लिए 19-20 है या है तो सिफारिश चल जाती होगी, अल्टीमेटली तो उस रस्से के अंदर, उस चूना रेखा के अंदर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो परफॉर्म तो आप ही ने करना है, तो सिफारिश लगा के कितना। अगर आप रस्से के अंदर जाओगे तो बैटिंग बॉलिंग आप ही ने करनी है, एक्सपोज हो जाओगे, मीडिया आजकल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, पहले मीडिया नहीं होता था तो चल जाता था। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट, आई एम ऑनर्ड दैट यू आर हियर टुडे। आई एम आल्सो ऑनर्ड सर। आपकी ऐसी स्टोरी है जो मुझे ऐसे लगता है लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। व्हाइल ग्रोइंग अप इन चंडीगढ़ और क्रिकेट खेलते हो, तो ये नाम जो है सुखविंदर बावा, ये आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, और आई हैव नेवर प्लेड अंडर यू, बट यू हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट, बिकॉज आपने जिन जिन लोगों को कोच किया है वो सिर्फ चंडीगढ़ या पंजाब या फिर और स्टेट्स के लिए नहीं खेले, वो इंडिया के लिए खेले और इंडिया के लिए लॉरल्स लाए हैं। तो आई थिंक युवराज पाजी इज योर स्टूडेंट एज वेल। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैंने मेरी 32 इयर्स की जर्नी हो गई है इस प्रोफेशन के अंदर भी, अभी क्रिकेट कोच तो बहुत सारे खेले हैं, और शायद मुझे भी ये लगता है भी अगर मैं क्रिकेट कोच नहीं होता तो मुझे और कुछ इसके सिवाय आता भी नहीं था करना, तो शायद मेरी डेस्टिनी में ऐसा ही था और इसीलिए मैं क्रिकेट कोच बना, और थैंक्स टू ऑलमाइटी। और मैं ये जो अपना जो मेरा पैशन था या जो मेरी कोचिंग टैलेंट था या जो भी था, मैं इसको लोगों में बांट सका। सर, जो क्रिकेट कोच क्रिकेटर होता है पहले उसी से ही क्रिकेट पे जाता है, एंड आप डीपी आजाद सर के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड डीपी आजाद सर। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा स्टार्टिंग में, आपकी क्रिकेटिंग जर्नी कहाँ से शुरू हुई, एंड हाउ डिड दिस जर्नी टर्न टू बिकमिंग अ कोच? मेरे फादर साहब ओलंपियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट, लंदन में 48 की ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो मेरी एक फैमिली जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन की है। सर का नाम त्रिलोचन सिंह बावा उनका नाम था। जी। तो उनको जब मैं खेलना शुरू हुआ तो छोटे होते मैं सारी गेमें अच्छी खेलता था, हॉकी भी अच्छी खेलता था, हरियाणा पुलिस की टीम मेरे को ले जाती थी लोकल टूर्नामेंट्स खिलाने, करनाल में मैं, मेरे फादर पोस्टेड थे तो हरियाणा पुलिस में, तो मैं हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, स्विमिंग भी कर लेता था, टेनिस भी ऑफिसर्स आते थे मेरे को लॉन टेनिस खिलाने ले जाते थे, तो मैं सब कुछ खेलता था। मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो गई 78 में चंडीगढ़ में,
तो हम भी वहाँ से शिफ्ट हुए, यहाँ हुए, तो वहाँ बैठे थे मिस्टर धर्म सिंह हैं, वो भी ओलंपियन डैडी के साथ ही खेलते थे, तो हम साथ साथ ही रहते थे, तो बैठे बात कर रहे थे क्या करना चाहिए। मुझे पूछा, मैंने बोला जी आप बताओ, वैसे तो मुझे क्रिकेट पसंद है, तो मेरे फादर ने भी कहा ठीक है, तो अगर तेरे को पसंद है क्रिकेट और मैं भी चाहता हूँ तू क्रिकेट खेले, तो मेरे को आज़ाद साहब सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में होते थे, तो मेरे को उनके पास ले गए। तो ये बात है 79-80 की बात है, ये 79-80 की बात है, तो मैं छोटा होता था, तो बहुत, तो मैंने सर के पास जाना शुरू कर दिया। तो उस समय विव रिचर्ड्स वाज द आई थिंक वो विव रिचर्ड्स थे, कपिल पाजी वगैरह नेट्स में हमारे पास खेलते थे तब, अभी वो इतना मतलब इंडिया वगैरह कैप्टन नहीं बने थे, वर्ल्ड कप नहीं हुआ, 83 में वर्ल्ड कप हुआ, ये मैं बात कर रहा हूँ 79-80। तो कपिल पाजी आते होते थे, योग पाजी आते थे, चेतन शर्मा मेरा बैचमेट था, हम इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे थे, चेतन था और जो हमारे में से इंडिया खेला, हमारे बैच में से। तो तब आजाद साहब के पास आना प्रैक्टिस करनी, तो कपिल पाजी आते थे, तो तब होता था इंडिया खेलना है। लेकिन आजाद साहब की जो डिसिप्लिन और जो उनका उनका जो कोचिंग का इम्पैक्ट था वो एक डिफरेंट ही था, उनका इतना हमारे पे इम्पैक्ट रहा, हमारे सभी के ऊपर भी। हम से सेक्टर 16 में क्रिकेट स्टेडियम था, मैं 18 में रहता था, सेक्टर 18 में जी, मैं सेक्टर 17 नहीं जाता था, मुझे डर होता था अगर मैं सेक्टर 17 चला गया और सर को पता लग जाएगा, तो उन दिनों में ये माना जाता था भी 17 जा रहे हैं शायद पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, है ना, तो 17 चला गया तो सर प्लाजा ही, हाँ वही एक चंडीगढ़ में वही एक अट्रैक्शन पॉइंट होता था तब, तो डर लगा रहता था भी सर को पता लग गया तो क्या होगा, क्योंकि हमने देखा सर को पता लग जाता था, सर का नेटवर्किंग इतनी अच्छी थी और चंडीगढ़ तब इतनी क्राउडेड भी नहीं था जी, नेटवर्किंग इतनी अच्छी थी, कोई मूवी चला जाता था प्रैक्टिस मिस करके या कुछ ऐसा हो जाता था प्रैक्टिस मिस करके या उस टाइम पे नीलम थिएटर कहीं चले जाना, तो सर को पता लग जाता था। फिर वो 100 लड़के जब खड़े होते थे, फिर सर उसको मतलब ऐसे ह्यूमिलेट करते थे, या तो वो क्रिकेट छोड़ जाता था या फिर वो जिंदगी में दोबारा नीलम थिएटर नहीं जाता था। तो उनका अपना ढंग था टैलेंट को बचा के रखने का, उनका वो था, तो वो चीज मैंने वहां से सीखी जी। लेकिन उस चीज के अंदर कोचिंग में शायद क्या होता है, फायदा भी है नुकसान भी है। तब फायदा था, तब फायदा यूं था, हमारे पेरेंट्स क्रिकेटर थे, वो लोग कहते थे बच्चे को लेके आते थे, या हमारे कोई कलीग किसी को बच्चे को किसी के पेरेंट्स लेके आना, तो वो ज्यादा सब बोलते थे सर इसके डंडे से पिटाई करना, इसको बिल्कुल डिसिप्लिन बना के रखना, ये करना वो करना। अब टाइम डिफरेंट है, अब आप वो आके पेरेंट्स बोलते जरूर होंगे, लेकिन अगर आप किसी के बच्चे को लो, उनको ये नहीं समझ में आता भी अगर हम किसी बच्चे को डांट रहे हैं या ह्यूमिलेट कर रहे हैं तो उसके फायदे के लिए, आज नहीं तो 5 साल बाद उसको वो काम में आएगा। लेकिन कई मैंने देखा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटे होते में डांटो या ऐसा करो, तो फिर वो ना उसको गलत उसमें ले लेते हैं भी, यार अच्छा हमारे को डांटा, हमारी बेइज्जती करी, ईगो हर्ट हो गई, है ना, तो हम जब खेलेंगे तब फिर बताएंगे कोच को भी यार तुमने तब हमारे साथ ऐसा किया था। तो ये एक जो ट्रेंड है वो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ भी, अगर कोच आपको बोलता है कुछ डांटता है या आपको ग्राउंड से बाहर निकाल देता है डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं होता भी आप उसको 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर आपके पास आए तो आप बोलो भी यार अच्छा तब तूने डांटा था, वो आपके भले के लिए कर रहा, उसने क्या ले लेना आपसे, कोच ने क्या लेना। मेरे को 32 साल हो गए कोचिंग करते हुए, मेरे ख्याल हज़ारों बच्चे खेले हैं, तो बहुतों के साथ अच्छे रिलेशन है मैक्सिमम के साथ, फिर जो ऐसे वाले होते हैं उनके साथ फिर नहीं रहते, तो ये ऐसे चलता रहता पार्ट लाइफ का। तो फिर जब मैं खेलना शुरू हुआ आजाद साहब के पास खेला, मैं चंडीगढ़ की तब एफिलेशन नहीं थी, तो मैं हरियाणा से खेला अंडर 15 खेला, 19 खेला, फिर अंडर 19 में जोन खेला अंडर 19 इंडिया का कैंप लगाया। तो एक NCA का कैंप होता है वो अंडर 19 का, जैसे अब बेंगलोर में लगता है NCA, वो हमारे टाइम में श्रीनगर में लगता था और चंदू बोडे जी ने वो कैंप कंडक्ट किया था। तो वहाँ कहीं मेरे चोट लग गई, स्लिप डिस्क हो गई थी, तो उन दिनों में कुछ हमारे मेडिकल इंडिया में इतना ये फिजियोथेरेपिस्ट और ये जो रिहैबिलिटेशन सिस्टम इतना, आई थिंक आप श्रीनगर तब गए थे, श्रीनगर गया था मैं, वहाँ पे कैंप लगा था, तो कैंप में एक्सीडेंट हो गया मेरा वहाँ, तो स्लिप डिस्क हो गई। तब स्लिप डिस्क भी नहीं पता होता था क्या है, ना फिजियोथेरेपिस्ट होते थे, तो पेन होती थी, मैं फिटनेस करता रहता था, कैंप से वापस आ गया चंडीगढ़, रनिंग करनी वही फिटनेस करनी ऐसे ही करना। तो एक दिन मैं आजाद साहब के पास गया, मैंने बोला सर मैं मेरे ऐसे पीठ में दर्द है, मैं बैठा होता हूँ तो दर्द होनी शुरू हो जाती है, खड़ा होता हूँ तो ऐसे लगता है कम्फर्टेबल है, थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाती है।
तो मेरे को एक एचओडी होते थे पीजीआई में, डॉक्टर जसवंत राय, उनके पास ले गए, उन्होंने चेक वेक किया, तो मेरे को बेड रेस्ट दिया गया। मैं 6 महीने तक बेड पे ही रहा, तब क्योर करने का, अब तरीके चेंज हो गए, स्लिप डिस्क को अब डिफरेंट किस्म से उसको वो करते हैं, फिजियोथेरेपी ज्यादा होती है, एक्टिव रिकवरी वो होती है। तो मेरी पैसिव थी, बेड पे लेट गया, 6 महीने तक बेड पे लेटा रहा मैं, फिर उठा, फिर चला, फिर किसी ने बोला स्विमिंग कर लो, स्विमिंग कर ली, किसी ने बोला ये कर लो, ये कर लिया। वो उस समय हिट एंड ट्रायल ज्यादा होता था। तो बस फिर उसके बाद मैं जब दोबारा खेलने लगा, तो जो मेरे साथ थे चेतन वगैरह ये सब, पैच सारा आगे निकल गया था, चेतन शर्मा मेरे साथ खेलता रहा, और भी मेरे साथ के जो प्लेयर्स थे वो कोई रणजी ट्रॉफी खेल गया, कोई इंडिया खेल गया, कोई जोन खेल गया, मनिंदर मेरे साथ कैंप में था, मनिंदर सिंह लेफ्ट आर्म स्पिनर, शिवा रामा कृष्णा मेरे साथ इंडियन कैंप में था, ये सारे थे, और यूपी के प्लेयर थे, काफी लोग थे जो आगे चले गए। मैंने एक बार ही ट्राई किया, तो फिर मुझे लगा नहीं यार, अब देश खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, और देश से कम उन दिनों में कोई रणजी ट्रॉफी, यहाँ इतने पैसे भी नहीं होते थे, कोई ऐसी मैच फीस नहीं होती थी। अब तो 10 साल आप रणजी ट्रॉफी खेल जाओ और एक सीजन के अंदर आपको जो है 10-15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया सारा सीजन खेलने के मिल जाते हैं, तो वहाँ वो भी नहीं होते थे। तो फिर एक आ गया भी यार भी फ्यूचर क्या है, जॉब या क्या करना है ना। मेरे फादर साहब रिटायर हुए 82 में, वो उनकी जॉब पुलिस में थी, वो रिटायर हो गए, तो एक सवाल आ गया क्या करना है। तो मेरे कज़न थे, उन्होंने बोला ठीक है तू कोचिंग का कोर्स करा। तो पहले साल तो मुझे लगा यार मैं और कोच बनूंगा ऐसे कैसे यार, क्योंकि तुम माइंड में था कि क्रिकेटर ही क्रिकेटर बनना है यहाँ, क्योंकि फादर को देखता था पुलिस वाले IAS ऑफिसर्स और ये सारे है ना, तो दिमाग में दूसरा थॉट था यार अभी उस तरफ जाना है। तो पहले साल मेरे को इनविटेशन, वो मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया, तो मैंने लेटर फाड़ दी, फेंक दी, बताया नहीं करवा लूंगा, भी आया। तो नेक्स्ट ईयर फिर आया, तो तब तक मैंने बीकॉम कर लिया था, यूनिवर्सिटी वगैरह खेल गया था, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज खेल गया था मैं जी, और लॉ कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, LLB कर रहा था, मेरे 2 साल हो गए थे। तो मैं लॉ भी जी, तो मेरे को लॉ भी कोई, जब मैंने पहले साल एडमिशन लिया तो सिर्फ इसलिए लिया भी मैं क्रिकेट खेल सकूं, क्योंकि लॉ के अंदर आप फेल या पास हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साल तक आप खेल सकते हो, वो 5-5 पेपर होते हैं हर सेमेस्टर के, तो वो बाद में भी इकट्ठे दे सकते हैं। तो मेरे आधे क्लियर थे, आधे रह गए। तो इन द मीन टाइम फिर मेरे को दूसरी कॉल आई इंटरव्यू की, तब मेरे टाइम में जो NIS है, जो कोर्स है, ये गांधीनगर में होता था अहमदाबाद, तो बस वहाँ गया मैं। वहाँ पर जब मैंने कोर्स करना शुरू किया तो मुझे लगा भी यार चलो मैं नहीं इंडिया खेल सका, तो मैंने इतनी मेहनत की वहाँ पर, एक साल के अंदर इतनी मेहनत की, मैंने सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखा, बॉलिंग, बैटिंग, विकेट कीपिंग, वो सब कुछ हमारे को करवाते हैं, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, गूगली सब, जब तक और उसी के मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने बैच में टॉप किया तब, तो इमिजिएटली मेरे को सही से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारा है दिल्ली में, उससे इंटरव्यू की कॉल आ गई। 1989-90 में मैंने कोर्स किया, 92 अगस्त में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जॉब है ये ज्वाइन कर ली। पहली ट्रांसफर मैंने चंडीगढ़ की ली, दी उन्होंने या मैनुपलेट की, क्योंकि मेरा शहर था, लोग मेरे को जानते थे, फादर साहब को जानते थे, तो मेरे को पहली जो पोस्टिंग है, एक्चुअली मेरी पहली पोस्टिंग थी लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति की पहली पोस्टिंग थी। अगस्त में मेरे को जब अपॉइंटमेंट लेटर आई जॉब की, तो उन दिनों में वहाँ रास्ते बंद हो गए थे, ठीक है, वो बर्फ बुर्फ पड़ गई थी अगस्त के अंदर, तो वहाँ क्रिकेट खेला जाता था ऐसे, गवर्नमेंट ने कर दी पोस्टिंग, तो मैं टॉपर था, नंबर वन डिमांड उनकी थी, तो वो लाहौल स्पीति, उसके लिए मेरे को चंडीगढ़ में रिपोर्ट करना था, यहाँ पे नॉर्थ जोन का हेड ऑफिस, नॉर्थ जोन का ऑफिस यहाँ था, तो मैंने चंडीगढ़ में रिपोर्ट किया। तो बस उसके बाद किस्मत की बात है, अभी मेरे को उन्होंने यहीं पे पोस्टिंग दे दी चंडीगढ़ में। 92 से फिर मैं यहीं रहा, और फिर मैंने जब मैंने जॉब ज्वाइन की, तो मैं एक दिन ऐसे ही, आई वॉज कितना 22-23-24 साल में छोटा था, मैंने जब जॉब ज्वाइन की तो अब मैं ग्राउंड के अंदर अपना काम पूरा करता था, चाहे मेरे को पिच के ऊपर झाड़ू मारना है या रोलर चलाना है या पानी लगाना है, क्योंकि उन दिनों में मैन पावर भी नहीं होती थी पूरे स्टेडियम में, एक हमारे पंडित जी करके होते थे बेचारे, उनकी डेथ होगी, माली होते थे, वही सब कुछ मैनेज, 16 सेक्टर में एक पंडित जी होते थे 16 सेक्टर में। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो उनके साथ हेल्प करानी, रोल भी करवाना और वो रोलर भी चलाना और वो सब कुछ, मैं इंटरनेशनल मैचेस अभी हो रहे थे वहाँ, इंटरनेशनल मैचेस उसके बाद हुए थे। अच्छा, इंटरनेशनल मैच एक हुआ था पहले, इंडिया इंग्लैंड का, वो छोटा मैच हुआ था शायद 15-15 ओवर का,
जिसमें डेविड गौर और वो कपिल देव सारे खेले थे, छोटा मैच हुआ था। उसके बाद वो जब इंटरनेशनल मैच होता है तो फिर पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करती है, अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस पे मैन पावर वहाँ पर जो उस वक्त कम थी। तो उसके बाद फिर इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, फिर नेचुरली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी ग्रो कर गया चंडीगढ़ का, और क्रिकेट में भी लोग जो माली और वो सब लोग ग्राउंड्समैन आ गए। तो मैंने अब नाम तो क्या लेना, मैंने आई जस्ट मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था, तो चाहे मैं जीन्स पहन के और टी शर्ट पहन के जानता था, वो मेरा पर्सनल लाइफ है ना, मैं क्या पहनता हूँ, लेकिन मेरी प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट है। मैं जब ग्राउंड में आता हूँ तो मैं माली का भी काम कर रहा हूँ और कोच का भी कर रहा हूँ, और उसके बाद में जो है ना, तो मैंने को किसी कोई मैं ऐसे गाड़ी खड़ी कर रहा था तो मैंने किसी को सुना कोच है अजकल ना दे कितने बस दिए कोचिंग करनी ना, तो मैंने अपने आप को कहा, मैंने कहा यार मैं तो नहीं खेला, लेकिन मैं जब तक 5 इंटरनेशनल प्रोड्यूस नहीं करूंगा ना मैं आराम से नहीं बैठूंगा। वो दिन है, मैंने ठाना था कि 5 लोग मैं देश के लिए खिलाऊंगा तब मैं शांति से बैठूंगा, और वो जुनून तब का चल रहा है और अभी तक चल रहा है सर। एंड आई विश मतलब यू शुड द्रोणाचार्य अवार्ड ही आपको मिले, जरूर मिले, क्योंकि आपने द वे पीपल हैव played cricket in Chandigarh, around Chandigarh, you have changed it. And it's not just like 2 saal, 3 saal, 5 saal, 10 saal mein, pichle 32 saal se aap cricket sikha rahe ho, cricket khelne ki samajh bhi de rahe ho, and the best part is that you are aap chah rahe ho ki unko top level tak leke jaye. Ye nahi ki sirf ki ek ranji khel liya ya fir aapne wo kar liya ki wo इंडिया के लिए खेलें और इंडिया के लिए नाम भी बनाए और इंडिया को का नाम भी रोशन करें। अ फ्यू नेम्स इफ यू कैन टेक सर, लाइक बड़े लोग खेले मेरे पास, जैसे युवराज खेलता रहा है, दिनेश मोंगिया खेला है, वीआरवी सिंह खेला है जी, करणवीर आईपीएल खेला है, करणवीर सिंह है, सारुल कन्वर आईपीएल खेला है, अमित उनियाल खेला है जी जी, गौरव गुप्ता लड़का खेला है, विश्वास भल्ला रणजी ट्रॉफी खेला, उसका रिकॉर्ड था उसमें डेब्यू डेज में और वनडे में 100 का वो खेला, उदय कॉल खेला है मेरे पास, उदय कॉल खेलता रहा, रीमा मल्होत्रा खेली है 6 वर्ल्ड कप खेली है, वेदा कृष्णा मूर्ति अब तो छोड़ गई, उसकी शादी हो गई, तो वो खेलती रही है, वो 18-19 साल की, 17-18 साल की थी जब मेरे पास गुड़गांव में आ गई थी, मेरे बीच में पोस्टिंग गुड़गांव हो गई थी, तो रीमा मल्होत्रा और ये गुड़गांव खेले, अब लड़के बड़े अच्छे आ रहे हैं, एक अरसलान खान करके आ रहा है उस वो इस साल विजय हजारे में वनडे का हाईएस्ट स्कोरर है, उसका शायद डेब्यू के अंदर रणजी ट्रॉफी डेब्यू में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाना था, थोड़ा सा वो 30 रन रह गए उसके, वो कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई उनको डिक्लेयर करना पड़ा टीम को, अदरवाइज ही वाज बैटिंग ऑन 230 रन्स नॉट आउट इन 233 बॉल्स, और 260 या 262 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है डेब्यू का, 30 रन रह गए थे उसके सिर्फ, और वो सिचुएशन ऐसी थी क्रिकेट है ना, उसमें तो कई बार आपको 199 पे भी डिक्लेयर करना पड़ता है, बट आई थिंक अब सेकंड या थर्ड हाईएस्ट तो होगा इसमें 230 पे। हाँ वो तो होगा, पर वो एक बुक ऑफ गिनी बुक उसमें आना, रिकॉर्ड में आना एक है ना, तो उसने वो किया पहले साल, वो अच्छा लड़का आ रहा है, लड़के ठीक है, ठीक चल रहा है। आई थिंक राज अंगद इज ऑल्सो योर स्टूडेंट, बट आई थिंक ही हैज अ ग्रेट फ्यूचर एज वेल। हाँ राज अंगद अच्छा कर रहा है, वो अंडर-19 वर्ल्ड कप में उसने पिकअप किया एक्चुअली, और उसके बाद इंडिया ए खेला अगेंस्ट न्यूजीलैंड ए टीम के अगेंस्ट उसने किया, फिर थोड़ा सा इंजरी आ गई थी, तो उसके बाद अब वो फिट है और उसमें टैलेंट इतना है, मुझे लगता है भी वो देश के लिए खेलेगा, और शायद वही मेरा 5वां होगा छठा होगा, तो क्योंकि आईपीएल भी अब जो आईपीएल खेलना वो भी इट इज लाइक एज गुड एज इंडिया खेलना है ना आईपीएल, तो 8-9 लड़के 10 लड़के आईपीएल खेल गए, जूनियर इंडिया तो पता नहीं कितने ही खेले हैं, अनगिनत लड़के जूनियर इंडिया अंडर-19 अंडर-15 मतलब रणजी ट्रॉफी वो गिनती ही नहीं है, इतने लड़के खेले हैं, और अच्छा लगता है आप कभी बाहर जाओ, कभी जैसे मैं अभी पीछे वृंदावन गया तो मतलब बड़ी अच्छी आपको मैं बात बता रहा हूँ, वृंदावन में गया तो मैं मंदिर है उनका, कृष्ण जी का मंदिर है जी, तो वहाँ गया तो मैं दर्शन कर रहा था, बहुत भीड़ थी, मतलब आपकी ये जो इतना एरिया है ये स्टूडियो का, इसके अंदर आप लगा लो भी 100 लोग खड़े हों और वो दर्शन करने के लिए धक्का मुक्की हो रही थी ना जी, तो उसके जो पंडित जी थे
मैं नाम नहीं लूंगा, वो कभी मेरे पास खेलते होते थे, उन्होंने पहचान लिया अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। ओके। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने बड़ा प्रसाद वरसाद मुझे देके और मिला, तो अच्छा लगता है। सर ये सबसे बड़ी कमाई होती है गुरु की, और क्योंकि आप इतने लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर चुके होते हो जिन्हें आप शायद आपको याद भी ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा केटर किए होते हैं और हर स्टूडेंट का नाम भी नहीं याद रहता और हर स्टूडेंट को इक्वल टाइम भी नहीं कीमत दिया जाता क्योंकि देयर मेनी फैक्टर्स। बट वो जो बच्चा, जैसे मैं आपसे खेला भी नहीं पर मैं आपको जानता था और आपने इनडायरेक्टली कोई ना कोई एक इम्पैक्ट डाला, चाहे अरुण पाजी से, अरुण शर्मा जी मतलब ही इज नो मोर, बट उनसे भी हमने आपके बारे में सुना है और सुखविंदर टिंकू सर भी यहाँ पे जब कराते थे तो आपका एक इम्पैक्ट था, तो जो खेले तो उनपे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। ऐसा होता है कई बार, क्या होता है इम्पैक्ट तो रहा है पर लाइफ में मैं एक और चीज़ जो बताना चाहता हूँ कोचिंग प्रोफेशन और उसके अंदर यूजली क्या होता है, मैं अब जैसे आपने कहा ना, मैं जब बच्चा मेरे पास खेलने आता कोई तो मैं देखता था यार इसमें क्या देश खेलने के काबिल है, मेरी पहली वो ही होती थी यहाँ चलो रणजी ट्रॉफी तो खेले। ये नॉर्मली कैसे पता चल जाता है? पता नहीं, शायद मैं जब बैटिंग बॉलिंग कराता हूँ तो मुझे पता लग जाता है, शायद ये मेरे को भगवान ने दे रखा है गुण, ये पता नहीं, मुझे पता लग जाता है थोड़ी देर खिलाने के बाद यार ये बच्चे में इतना पोटेंशियल है, ये इंटर कॉलेज तक खेलेगा, स्टेट खेलेगा या इंडिया खेलेगा, ठीक है मुझे पता लग जाता है। तो पेरेंट्स इस बात से अग्री, अब किसी का बच्चा आया और मुझे लगता है नहीं ये नहीं इसमें टैलेंट उतना नहीं है अभी ये और पढ़ाई में अच्छा है, तो मेरी यूजली यही हमेशा उनसे रिक्वेस्ट रहती है भी नहीं आप इसको पढ़ा लो, पढ़ाओगे तो अब 10 साल वो क्रिकेट के अंदर ग्राउंड में लगाएगा, मिनिमम 10 साल तो लगाएगा ना, तो पसीना गर्मी इतना सब कुछ करने के बाद। और मैं उनको ये भी समझाता हूँ आप देखो इसी में बिठा के इसको पढ़ाओगे और IAS बनेगा, कुछ भी बन सकता है पढ़ाई में अगर अच्छा है तो। नहीं पेरेंट्स को समझ में आती तो फिर कई बार मेरे को कहना पड़ता जी ठीक है मैं नहीं आ रखता, आप इसको ले जाओ, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे हैं, तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि 5 साल बाद आपको रियलाइज होएगा जो मैंने आज कहा है, तो फिर वो 5 साल बाद अगर मैंने 100 लोगों को बोला है तो यूजली मेरे पास 98-99% लोग आए हैं, उस वक्त अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं, ये नहीं भी मेरे को प्राउड फील हुआ यार मैंने कहा था तो नहीं, उस वक्त ये लगता है यार इसने 5 साल खराब कर लिए, इस बच्चे ने 5 साल खराब कर लिए, अगर उस जाता तो फिर वो पेरेंट्स आके बोलते हैं सर आपने तब बोला था हमने नहीं सुनी, या कहीं आके बोलते हैं सर आपने बोला था हमने सुन ली, अब बच्चा ये है तो बड़ी खुशी होती, तब अच्छा लगता है। मेरा एक स्टूडेंट है रजत भाटिया करके, लुधियाना से हैं, उनकी साइकिल वगैरह का बिजनेस है, वो शुरू से ही बड़े वेल ऑफ थे और उन्होंने जब मेरे पास यहाँ बच्चे को भेजा तो मुझे लगा भी उसमें पोटेंशियल तो है पर इतना नहीं है, चलो रणजी रणजी ट्रॉफी खेल जाएगा, पर वो इंजरी आ गई या वो नहीं खेला, वो अंडर 19 स्टेट खेला, तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला जी अब डिफिकल्ट है थोड़ा सा, क्योंकि कहना कहाना जब पड़ जाए ना आपको अंडर 19 में सिफारिश लगवानी पड़ जाए, बोलना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाता है, फिर आगे खेलना मुश्किल है। जी जी जी। उनको समझ में आ गई, उनको समझ में आ गई, वो बड़ा बढ़िया बिजनेस कर रहा है, उसने कनाडा में सेटअप कर रखा है साइकिल का उसका, और वो 2 दिन यहाँ होता है, 2 दिन कनाडा होता है, 2 दिन वहाँ होता है, और बढ़िया। तो अब वो याद करते हैं तो वो रिलेशन डिफरेंट किस्म के बन जाते हैं आपके उनके साथ, जब उसकी शादी हुई तो शायद शादी का पहला कार्ड मेरे पास लेके आए उसके पेरेंट्स, तो यू फील प्राउड यार आपने बोला उन्होंने सुना और वो ऑनेस्ट गाइडेंस दिया, ऑनेस्ट गाइडेंस दिया। कईयों को समझ में 5 साल वेस्ट करने के बाद आया तो शायद ऐसे 2% होंगे भी, मेरे को नहीं पता, या तो वो नहीं आए या फिर वो कुछ क्रिकेटर, पर मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा भी जो जिसको मैंने मना किया और वो खेल गया हो, यार नहीं ऐसा नहीं, आपने ये अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा तो उसका क्या फायदा। अब तो ये भी है ना भी चलो रणजी ट्रॉफी तक भी खेल गया, कैरियर हो गया, छोटी मोटी जॉब मिल जाती है, अब तो जॉब भी डिफिकल्ट हो गई है, पर ये अभी 10 साल अगर आप रणजी ट्रॉफी खेल जाओ 15-20 लाख रुपए आपको मिलता रहता है, तो इन अ वे एक वो भी अर्निंग का सोर्स हो जाता है, उसके बाद पेंशन लगा देती है बोर्ड। तो ये BCCI ने जो किया है वो अब सिस्टम ठीक है, तब हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, आप खेलते थे आपको कहाँ ऐसा होता था, कोई मतलब एक रास्ता नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता था। सर जैसे आपने बताया कि एक चेंज आया है, व्हेन यू स्टार्टेड थिंग्स वर डिफरेंट, नाउ थिंग्स आर डिफरेंट, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट आई वुड से मोर देन 4 decades के जब से आप क्रिकेट खेलते आ रहे हो। जब भी कोई क्रिकेट खेलता ही नहीं, चाहे मैं अपनी बात भी करूँ या कोई पेरेंट भी होता है या बच्चा भी जाता है, तो वो यही सोच के जाता है कि हमने इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है, और वो जज्बा इतना है इंडिया में, चाहे तब भी होगा या आज भी है, तो
वो जो एक आपने जब बताया ना कि एक जब रियलिटी चेक देते हैं तो हजम नहीं बना कर पाता यार, मेरे वो सपने सारे टूटते नजर आते हैं, बट प्रैक्टिकली आज आफ्टर सो मेनी इयर्स नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट प्रोबेबली आई वाज नॉट दैट गुड, या उस लेवल पे वो एक अपॉर्चुनिटी एक लेवल पे नहीं था, तो मैं कहीं और कुछ कर पाया। अगर वो लगा रहता अपने आप को स्ट्रेच करते रहते तो शायद और नंबर ऑफ इयर्स वेस्ट हो सकते थे। तो ये सर मैं एक चाह रहा हूँ कि आप सभी के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए भी और सभी बच्चों के एक मैसेज भी जरूर दें कि आपको ये रियलिटी चेक जब मिले तो वो तब आप कैसे उसको एक्सेप्ट करो, प्लस जिसको रियलिटी चेक नहीं मिल पा रहा वो उस रियलिटी चेक को कैसे ले और किस एज में ले ताकि उस एज के बाद वो कहीं और टाइम लगा पाए। इसमें ना दो चीजें हैं, एक तो रियलिटी चेक कौन दे रहा है, ठीक है, एक तो रियलिटी चेक कौन दे रहा है, आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। आजकल क्रिकेट इतनी बिक रही है, अभी छोटे 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 कोचिंग सेंटर्स बहुत प्रॉपअप हो गए हैं जी, सिर्फ चंडीगढ़ में भी 20-25 होंगे। जब मैंने कोचिंग लेता था मैं तब एक ही होता था, 16 सेंटर, ठीक है, 80s में, फिर साथ में एक डीएवी कॉलेज, जो बड़े बच्चे होते थे वो डीएवी कॉलेज चले जाते थे, तो दो होते थे। अब यहाँ कम से कम नहीं तो 20-25 होंगे छोटी छोटी अकेडमी, छोटे छोटे। अब वो रियलिटी चेक, प्लीज इसमें किसी को हर्ट नहीं कर रहा मैं या किसी को वो नहीं करना चाह रहा, अब रियलिटी चेक में मैं बोलूंगा जी आपका बच्चा नहीं बन सकता, ठीक है। अब वो बच्चा पेरेंट किसी दूसरे के पास जाता है से, यानी किसी भी एकेडमी में जाता है, वो रियलिटी चेक क्यों बताएगा, उसको तो फीस आ रही है, उसको तो फीस आ रही है, साथ में इक्विपमेंट भी बहुत महंगे हो गए हैं, साथ में इक्विपमेंट बहुत महंगे हो रहे हैं, फीस आ रही है, वो चल रहा है तो उनका चल रहा है, उनकी अकेडमीज भी चल रही हैं। लेकिन चलो अगर वो मेरे को तो ये लगता है भी उनको भी चाहिए भी आप रियलिटी चेक करके उसको बता दो, पर हो सकता है उनको लगता, मुझे लगता है भी ये टैलेंटेड नहीं, हो सकता उनको लगता हो जेन्युइनली भी ये टैलेंटेड है, ये भी हो सकता है, दूसरी बात जो है, ठीक है। तो उसमें अब पेरेंट्स को देखना चाहिए, उसमें पेरेंट्स को देखना चाहिए, एक साल दो साल या तीन साल लगाने के, दो तीन साल लगाने के बाद अगर तो आपका बच्चा कॉम्पिटिशन में आ रहा है और वो क्लिक कर रहा है, ठीक है, वो क्लिक कर रहा है, फिर तो आप उसको परस्यू करने दो, नहीं तो फिर मेरे को लगता है रोक लेना चाहिए। अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें भी पेरेंट्स भी नहीं जज कर पाएंगे, उसमें भी मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी अकेडमीज हैं, बहुत सारे जो बच्चे टैलेंटेड नहीं हैं वो उनमें खेल रहे हैं, और वो जब उनके आपस में मैच होते हैं तो जो एक बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा टैलेंटेड है हल्का सा, लेकिन वो इंडिया खेलने के काबिल नहीं है, और एक बच्चा वो इतना टैलेंटेड है भी 1916 या इंटर स्कूल कॉलेज खेल सके। अब वो जो अंडर रणजी ट्रॉफी खेलने वाला जो 17-18 साल का बच्चा जो हल्के बच्चे के बीच में परफॉर्म करेगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगी। यस यस, तो पेरेंट्स गेट कैरीड अवे, बच्चा गेट कैरीड अवे, है ना। वो 13-14-16 की एज में जब होते हैं वो उनको लगता है रन बन रहे हैं, विकेटें आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जब वो एक्चुअली समुंदर में जाते हैं, खुले में जाते हैं, वहां पर सिनेरियो डिफरेंट होता है। सर मेरे साथ एक बार हुआ था, 16 में मैच खेल रहे थे तो वो टीम ऐसी थी कि आई वाज, मेरे को ऐसा लग रहा था यार तो मैं आउट ही नहीं हो सकता, एंड आई वाज प्लेइंग, लगातार शॉट्स जा रहे हैं, बट देन उसके हफ्ते बाद ही एक और मैच खेला था तो मैं आई थिंक 6 या 7 रन में आउट हो गया था, क्योंकि लेवल ऑफ बॉलर्स वाज आल्सो डिफरेंट। वो जो लेवल है, आप किस लेवल में बच्चा खेल रहा है, तो उसमें पेरेंट्स को भी चाहिए, मतलब पेरेंट्स को ये नहीं चाहिए भी अपना सपना बच्चे में पूरा करें, मेरा हमारा बच्चा। अब मुझे समझ में नहीं आती 8 साल के बच्चे को पेरेंट्स लेके मेरे पास आते हैं, सर बच्चा बहुत बढ़िया है। अब मैं अगर उनसे पूछता हूँ भी यार आपको कैसे पता लगा बढ़िया है, तो मैं रूड हूँ, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा भी यार कैसे, मतलब मुझे तो अपने 10 साल तक के बच्चे का नहीं पता लग पाया था भी वो अच्छा है, टैलेंटेड है, क्या है। वो तो जब खेलने लगा धीरे धीरे, 11-12-13 साल का हुआ, 13 साल का था तो हरियाणा का कैप्टन बना, सिलेक्टर्स ने किसी और ने सिलेक्ट किया, ठीक है, कहीं कहीं गुड़गांव में था, किसी टीचर ने सिलेक्ट किया उसको, टीम में डाला, उसने वहां रन किए छोटे से ने, तो मुझे लगा यार इसमें टैलेंट है, ठीक है, क्योंकि मेरा बच्चा था तो मैं श्योर होना चाहता था उस वे में, ठीक है, मुझे ये नहीं था भी यार पितृ मोह में मैं आगे और उसको, जैसे हमने बताया यू हैव बीन वेरी प्रैक्टिकल कि अगर है टैलेंट तभी खेलना है, अदरवाइज कुछ और कर लो, क्योंकि मेरे ख्याल हमारी पॉपुलेशन में से कितने बच्चे खेल रहे होंगे, आप जस्ट कैलकुलेट कीजिए, अभी आपको बताया अभी चंडीगढ़ में 3,500 एप्लीकेशन आई हैं ट्रायल्स के लिए, 3,500
तो इतने बच्चे खेल ही रहे होंगे ना चंडीगढ़ में कहीं तो आइए तो भीड़ चाल भी ज्यादा है क्योंकि ग्लैमर भी दिखता है। हाँ, आईपीएल का जैसे कोई सीजन आता है, आईपीएल आता है, उन दिनों में आप देखेंगे एडमिशन है हमारे पास, मेरे पास एवरेज रोज 10 पेरेंट 10 बच्चे आते हैं एवरेज, पूरा साल एवरेज रोज 5 से 10 बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए। अगर हम उन सबको रखने लग जाएं तो एक महीने में 10,000 बच्चा हो जाएगा। और उसमें सर एक और चीज मुझे ऐसे लगता है कई बार कि जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो उसमें से अच्छा टैलेंट भी कई बार वो फिर छुप गुम हो जाता है। एंड इसी में पूछना चाहूंगा सर कि व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट इफ दे वांट टू मेक अ करियर इन क्रिकेट इन जनरल, मतलब अगर वो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं या फिर किसी लेवल पे खेलना चाह रहे हैं तो वो कौन सी एज से शुरुआत करें, वो कौन सा एक नंबर है? 8-9 साल का बच्चा अगर खेलना शुरू कर दे, आना शुरू कर दे, ये नहीं सोचे उसके पेरेंट्स भी ये देश खेलेगा, 8-9 साल का बच्चा आना खेलना शुरू कर दे विदाउट एनी अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेशन भाई आना शुरू कर दे खेलेगा, वो पहले साल में समर वेकेशन पे भी पेरेंट्स के साथ जाएगा, सर्दियों में भी नहीं आएगा, है ना। फिर दूसरे साल में हमें पता लगता है, मुझे जो मेरा तरीका है देखने का, दूसरे साल में वो आएगा तो मैं देखता हूँ कितनी छुट्टियाँ कर रहा है, कितना रेगुलर आ रहा है। तो एक जो बेसिक है, जो जुनून है, वो आपको पता लग जाता है इस बच्चे में है, ये रेगुलर आ रहा है ना। फिर तीसरे साल में आपको पता लग जाएगा अरे समर वेकेशन में भी नहीं जा रहा, वो बच्चा घर पे रह रहा है, वो बोल रहा है जी मम्मी पापा आपने जाना आप जाओ, मैं तो प्रैक्टिस नहीं मिस करूंगा, मैं तो जाऊंगा ग्राउंड, ठीक है। और टाइम पे भी आते हैं, टाइम पे आते हैं और टाइम पे स्पेंड करते हैं और है ना, वो यही चीजें होती हैं। अब उस एज के अंदर आप बच्चे को सिखा नहीं सकते क्योंकि जो मूवमेंट्स होती है इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, बच्चा ना देख के सीखता है, देखता है टीवी पे, देखता है सीनियर्स को, देखता है और सीखता है। अब वो जो गलत सीखता है उसको हमने ठीक करना, ब्रशिंग करनी है, ठीक है, और राइट पाथ पे डालना होता है। तो ये दो तीन साल में पता लग जाता है बच्चे का भी वो बच्चा क्या करेगा। 11 साल आ गए, जैसे 11-12 साल में बच्चा रेगुलर आने लग गया, परफॉर्म करना शुरू हो गया, है ना, मैचेस में जाके, तो पता लग जाता है अरे बच्चा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अगर जो बच्चा ही 10-11-12 साल में आता है तो वो फिर लेट हो जाता है, वो यहाँ तो अगर आप सोचो भी 10 साल के बच्चे 12 साल के बच्चे को हम क्रिकेट शुरू करा रहे हैं या 13, तो पहला टूर्नामेंट ही अंडर 16 होता है जिसमें 14 साल की एज से ऊपर वाला बच्चा जो है एलिजिबल होता है जी। तो अब 12 साल में आपने स्टार्ट करके आप 14 साल में कैसे कम्पीट कर लोगे जो एक बच्चा 8 साल से सीखता आ रहा है रेगुलर, 8-9-10-11-12-13 5 साल हो गए उसको, वो कोचिंग ले रहा है, नेचुरली वो शार्प होगा, वो अच्छा होगा जो 12 साल की उम्र में शुरू करेगा उसको। और ऐसा चाहे जितना मर्जी टैलेंटेड हो वो, ठीक है, आपको देख के पता लग जाता है बैटिंग करता है बॉलिंग करता है उसकी बॉल सेंस से चीज़ों से पता लग जाता है वो कितनी जल्दी, अगर फिर भी मुझे लगता है यार हाँ ये पिकअप कर सकता है अभी ये रॉ है नहीं इसको, तो फिर चांस लेते हैं उसके ऊपर। सर कोई बैट्समैन बनता है, बॉलर बनता है, विकेट कीपर बनता है, या कोई फास्ट बॉलर, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ये कैसे नेचुरली आता है या फिर? ये तो यूजली बच्चे आते हैं तो वो डिसाइड करके ही आते हैं, या उन्होंने डिसाइड किया होता है या पेरेंट्स ने थोपा होता है या कुछ, जो भी पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, डिसाइड करके आते हैं, पूछते हैं क्या करते हैं तो कहता है जी मैं लेग स्पिन करता हूँ, कोई कहता है मैं बैट्समैन हूँ, कोई फास्ट बॉलर हूँ, तो फिर मैं उनका देखता हूँ भी उनमें क्या है, तो अगर मुझे लगता है हाँ ये ठीक कर रहे हैं तो ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेरी लाइफ में ऐसे बड़े बच्चे हैं, नरेश गोगियान खेलता होता था आपके टाइम में, नरेश लड़का होता था, लेफ्ट आर्म स्पिनर, यस। अब वो नरेश गोगियान जब खेलता था तो वो फास्ट बॉलर था जब मेरे पास आया डीयूवी में, तो जब मेरे पास आया था तो फास्ट बॉलिंग करता था, तो उसका मैंने स्ट्रक्चर देखा और थोड़ा सा उसकी फैमिली के साथ फादर का स्ट्रक्चर और मैंने रिलेट किया, तो मुझे लगा भी ही कांट बी अ जेन्युइन फास्ट बॉलर। तो मैंने एक दिन उसको ऐसे बोला, मैं कह रहा एक बार लेफ्ट आर्म स्पिन डाली, उसने डाली तो अच्छी लगी मेरे को लगा यार हाँ ठीक है। अब मेरे को उसको कन्विंस करना था भी तू फास्ट बॉलिंग, क्योंकि फास्ट बॉलिंग उन दिनों में वो होता था यार, फास्ट बॉलर है ना, फास्ट बॉलर है जी। तो मैंने उसको बोला यार तू 2-3 महीने ना सिर्फ बैटिंग कर, मैंने उसकी बैटिंग करानी शुरू कर दी उसके नेटों में, बॉलिंग बंद करा दी बॉलिंग नहीं करी, बैटिंग करता रहा। फिर वन फाइन डे उसको मैंने बोला चल अब लेफ्ट आर्म स्पिन डाल के देख, उसने डाली। वो लड़का अंडर 19 इंडिया खेल गया, उसके बाद वो क्रिकेट छोड़ गया था, खैर बाहर चला गया। तो ऐसे बड़े लोग होते हैं, ऐसे अभी मेरी लाइफ में अभी एक और लड़का है निशुंक करके है, वो जब वो अंडर 14 था, 13-14 साल का था, तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ सेलेक्टर्स ने उसको देखा, उसका बड़ा अच्छा एक्शन था, फास्ट बॉलिंग डालता था, बड़ा स्मूथ एक्शन, और वो तो समहाउ वो बच्चा एक आधे साल बाद 2 साल बाद मेरे पास आया, तो मैंने उसको देखा, 14-15 साल का हो गया था, तो मैंने उसको देखा,
एक्चुअली मेरी आदत है, मैं पेरेंट्स की भी देखता हूँ, उनका फिजीक क्या है और वो पीछे कितनी है ना, उनकी हाइट कितनी है, क्योंकि चीज तो जेनेटिकली तो वही होंगे ना जो पेरेंट्स हैं। तो मैंने देखा तो मैंने उसको लेफ्ट आर्म स्पिन शुरू करा दी। मैंने उसके फादर को बोला अभी नहीं, उसके फादर तो इनॉर्ड हो गए और बोलते जी 6 महीने तक फिर आए नहीं। मेरे डायरेक्टर स्पोर्ट्स को कहलवा के वो आए थे और उसके बाद वो चले गए, कहते नहीं आए। 6 महीने बाद फिर मेरे को फ़ोन आया, मेरे जो हमारे साई के डायरेक्टर थे उनका फ़ोन आया। मैंने बोला सर देखो उनको अगर खेलनी है तो मैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर बनाऊंगा उसको और बैटिंग कराऊंगा, मैं फास्ट बॉलर, अगर उन्होंने फास्ट बॉलिंग करनी है तो जिस जहाँ पे मर्जी खेलें खेलते रहें, क्या प्रॉब्लम है। चलो जी वो मेरे पास आ गए। आगे फिर उसके फादर साहब बोलते थे जी ये मेरी इच्छा ये बैट्समैन बने। मैंने बोला आप घर के बाहर एक पिच बनवा लो, वहाँ पे इसको बैटिंग कराया करो, मैं तो लेफ्ट आर्म स्पिन ही करवाऊंगा और साथ में बैटिंग कराऊंगा। अब वो लड़के को लेफ्ट आर्म स्पिन और बैटिंग ऑलराउंडर में मैंने ग्रूम किया उस दिन के बाद। उसने इस साल 19 में वन डेज में मुंबई के अगेंस्ट पंजाब 5 विकेटें, मतलब 3 स्टेटों के अगेंस्ट उसने मेरे ख्याल 20-22 विकेटें वन डे में ली हैं। उसने 20-25 विकेटें 19 डेज में ली हैं। फिर उसको 23 खिलाया गया इसी साल, तो शायद 20-25 विकेटें उसकी इस साल 23 में भी हैं। और उसमें 7 विकेटें ली उसने पंजाब के अगेंस्ट अभी स्टेडियम में, जो मुल्लांपुर स्टेडियम है न्यू चंडीगढ़ में, अभी कुछ दिन पहले की बात है, फेब की बात है। उसने 7 विकेटें ली पंजाब के अगेंस्ट, चंडीगढ़ को मैच जितवाया आउटराइट। अगला मैच महाराष्ट्र के साथ, मेरे पास 16 सेक्टर में था, महाराष्ट्र के अगेंस्ट फिर 7 विकेटें ली, महाराष्ट्र से जितवाया आउटराइट। उससे पहले एक और टीम थी, 2-2, 3-3, 4-4 विकेटें वहाँ ले रहा था, तो उसकी 18-20 विकेटें 23 में भी हैं। तो इट प्रूव्स भी यार वो लड़का जो गुरु की नजर होती है ना, है ना? पहचान जाती और है। अब आप उसको देखोगे वो लंबा हो गया, पेरेंट से लंबा हो गया, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और वो थोड़ी सी लथार्जी टाइप है, वो है नहीं वैसा, वो दिखता है वैसा, वो जैसे कई होते हैं ना ढीले ढीले, जैसे युवराज भी कोई एक्टिव नहीं दिखता था लेकिन फील्डिंग वो वर्ल्ड नंबर वन था, है ना, जब रिएक्ट करता था तो, लेकिन अदरवाइज वो अपना मस्त रहता था, ऐसे धीरे धीरे ढीलू ढीलू चलना, है ना। तो ये बच्चा जो है ये उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसी है थोड़ी सी, मतलब है ना, लेकिन जब वो ग्राउंड में आता है, जब वो परफॉर्म करता है तो उसने किया उसने। और वो अब नेक्स्ट मंथ नेशनल अकेडमी का कैंप लगाने जा रहा है अंडर 19 का। तो अंडर 14 से लेके 5 साल में उस लड़के ने, 14 साल से लेके 19 साल तक वो लड़का इंडिया कैंप में आ गया एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर बैट्समैन। एंड ये जो आपने बोला ना कि हम चाहते हैं, पेरेंट्स नॉर्मली क्या होता है कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा ये बने, वी डोंट हैव द एक्सपर्टीज, सो वो एक्सपर्ट्स को डिसाइड करना चाहिए। कई पेरेंट्स होते हैं जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले होते हैं, जैसे आप भी खेले हुए हो क्रिकेट, चलो डिस्ट्रिक्ट लेवल या ये वो, उसके बाद आपने प्रोफेशन चेंज कर लिया और आप बिल्कुल क्रिकेट से हट गए जी जी, और आपको उसमें क्या प्लस माइनस हुआ आपको नहीं पता, और आपका बच्चा अचानक खेलने लगा जी जी जी, अब आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं है यार इसको मैं बैट्समैन बनाऊं, जैसे वो उस मेरे स्टूडेंट के फादर को था दिमाग में बैट्समैन, पंजाब वाले बोल रहे थे इसको, मतलब उन्होंने सेलेक्ट किया था एज ए फास्ट बॉलर, बड़ा अच्छा बॉल डालता था, ये नहीं अच्छा नहीं डालता था, लेकिन मैंने और बड़ी सारी चीजें देखी, वो उन्होंने उसको ट्रायल में सेलेक्ट किया हुआ, और अगर शायद मेरे पास ऐसे 100-150 बच्चे आते और वो फास्ट बॉलिंग करता तो शायद मैं भी सेलेक्ट कर लेता। सर गुरु शिष्य परंपरा मैं बड़ा स्ट्रांगली मानता हूँ इसको, और ये आपने सही बात बोली थी कि जिस समय आप क्रिकेट खेलते थे उस समय गुरु शिष्य परंपरा वो मच हायर रहने की डर होता था कि वो देख ना लें कहीं पे, अगर जैसे डीपी आजाद सर थे तो उनकी नजर में ना आ जाए कि आप घूम रहे हो। आज की डेट में आई पर्सनली फाइंड के थोड़ा ऑफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं और वो परंपरा थोड़ी कम है, एंड कहीं ना कहीं एक फर्क आ चुका है। डू यू स्टिल फाइंड पीपल की जो आज भी फॉलो करते हैं? नहीं ऐसा पता नहीं, जैसे मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ। अब मेरे पास जैसे बच्चे, अगर मैंने किसी को कुछ बताया बेटे तूने ये फॉलो करना है ऐसे करना है, तो मैं उसको देखता हूँ यार ये जो मैं कह रहा हूँ वो करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर वो मेरे से वापस फीडबैक ले रहा है भी सर मैं ऐसे कर रहा हूँ देखो मैं ठीक कर रहा हूँ जैसे बताया था, फिर तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। अब मैं नहीं जाता उसके पास भी, तेरी ये बच्चा मेरे पास आएगा सर ये मेरे से शॉट नहीं लग रहा, ये गलती आ रही है या मेरे से बॉल नहीं हो रहा है कुछ हो रहा है, तो मैं उसको बताऊंगा, एक बारी दो बारी मैं नहीं करूंगा लेकिन मैं देखूंगा ये बार बार आ रहा है पूछ रहा है, तो मैं उसके पास जाऊंगा, मेरे को उसकी जो जो उसकी सिंसेरिटी है वो पता लगानी होती है पहले, तो मैं नहीं करता। नेट्स में भी मैं जाऊंगा, नेट्स में देखूंगा, बैटिंग दूंगा, मैं साइड पे हो जाऊंगा और मैं कहीं और से खड़ा होकर देखूंगा भी ये क्या कर रहे हैं,
उसमें मेरे को 20 बच्चों में पता लग जाता है ये 5 सिंसियर हैं, बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं, पता लग जाता है। तब वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप देखोगे ना, तो वही 5 आपको सिंसियर नजर आते हैं, वही 10-15 जो है वो नजर आते हैं आपको भी मस्ती करने आए हैं। फैशन है, फैशन क्रिकेट फैशन है ना, तो फैशन है, तो हम क्रिकेटर्स हैं, सफेद कपड़े पहन के सोसाइटी में जाएंगे तो लगेगा क्रिकेटर है। ये बड़ी बड़ी सारी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, तो वो पता लग जाता है। तो मैं उन्हीं बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ यूजली, और वो बच्चे इज्जत करते हैं। फिर कहीं अगर मेरे को पता लगे, अब क्या है कोचिंग में एक और बहुत बड़ा फ्लॉ है जो मुझे लगता है, पता नहीं मैं भी गलत होऊंगा, कोचिंग हमें करनी चाहिए जब कोचिंग की जरूरत है। मेरे को लगा यार सुप्रीत का हाथ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए जेन्युइनली, बहुत बार ऑब्जर्व करने के बाद, और ऐसे कराऊंगा, करा के देखूंगा, फर्क पड़ गया तो ठीक है, हाँ यार तेरे को, और मैं चाहूंगा भी बच्चा भी कन्विंस हो रहा है हाँ सर ये बेटर है, एक दिन में नहीं, 4-5 दिनों बाद, हाँ सर ये ठीक है, ठीक है अब तू भाई इसको कंटिन्यू कर, इसको पका ले, इसको अब अपना मसल मेमोरी में डाल ले, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कोचिंग प्रोफेशन में फैशन है कोचिंग करनी फॉर द सेक ऑफ इट, कोचिंग करनी है। अब सुप्रीत को मैंने हफ्ता देखता रहा, मैंने बात ही नहीं की, और दूसरा कोच आया, उसने जाते सुप्रीत को पहले दिन बताया, ओए सुप्रीत तेरा पाँव नहीं ठीक आ रहा। अब वो बच्चा, सर ने पहले दिन ही गलती निकाल ली, जाके पेरेंट्स को बताएगा, सर ने देखा, अब वो एक अलग किस्म का रिलेशन डेवलप हो गया, अभी ये तो सर बहुत बढ़िया है, ये तो जाते इन्होंने आज बैटिंग नहीं ठीक हो रही तेरी, कल बोलेंगे तेरा बैक फुट नहीं ठीक आ रहा, परसों बोल रहे हैं तेरा फ्रंट फुट नहीं ठीक आ रहा। वो बच्चा कितना खुश है भी, देखो जी रोज मेरी गलती निकाल रहे हैं, रोज सर मेरे को देख रहे हैं ना, पेरेंट्स भी खुश हैं ठीक हो रहा है। अब उसको अब प्रैक्टिकल वे में देखो, आज तेरा फ्रंट फुट नहीं ठीक आ रहा, कल तेरा बैक फुट नहीं आ रहा, चौथ कवर ड्राइव नहीं आ रही, तो भाई ठीक क्या कर रहा है तू, ठीक क्या कर रहे हो। उससे कई कोच उनको लगता है, तो फिर भी ना वो फिर कोचिज की भी वो होनी शुरू हो जाती है भी, यार ये कोच तो बताते हैं तो ध्यान ही नहीं देते भी। अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पे लेके चलूँ भी, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा तो रिजल्ट्स कैसे आ गए, आए ना, बच्चे ठीक हुए, बच्चे खेल रहे हैं। अब हर रोज किसी को बैटिंग, अब इस बात से कन्विंस होने के लिए भी बच्चे और पेरेंट्स चाहिए भी, भाई सर देख रहे हैं जो चीज़ ठीक करने वाली वही कर रहे हैं, उससे फालतू नहीं कर रहे। फिर अगर आप नहीं ठीक करवा रहे तो फिर वो आंख बचा के दूसरे तीसरे के पास भी जाएंगे, सर देखना जरा मैं ठीक खेल रहा हूँ या मैं ठीक खेल रही हूँ या कुछ ऐसा, वो भी होता है। फिर वहाँ पर आपकी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, आप बताते हो तेरा हाथ नहीं ठीक आ रहा, मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी भी तेरा पाँव नहीं ठीक आ रहा, चीज़ें मिक्सअप हो गई, बच्चा वेस्ट हो जाएगा। ये अगेन सर क्रिकेट शुरू कब करना है, क्रिकेट छोड़ना कब है, फिर उसके बाद एक चीज, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्रिकेट क्रिकेट जैसे इट्स अ रिलीजन इन इंडिया, तो क्रिकेट इज सुप्रीत, क्रिकेट में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग ऑफ स्पिन फास्ट बॉलिंग लाइक कितने सारे हैं, तो उतनी क्रिकेट भी बड़ी है, बहुत सारी चीजें, फिटनेस बहुत बड़ा, डाइट डाइट बहुत सारी चीजें, अब तो और एलैबोरेट होगी, तो मतलब हमारे हमारे क्रिकेटर्स भी मतलब प्रॉपर फिट, यो-यो टेस्ट भी पास कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स भी हैं, सब वो चेंज हो गया, एक सिनेरियो चेंज हो गया है, बट खेलते सिर्फ 11 प्लेयर है इंडिया में, एंड दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ रियलिटी। हम 140 करोड़ लोगों में से जितने भी लोग, आप चाहे 3500 लोग सिर्फ चंडीगढ़ में ट्रायल देने के लिए आ रहे हैं, रियलिटी सिर्फ 11 लोग ही खेलेंगे, नो डाउट आप इंडिया तक जा सकते हो, एक बार खेल सकते हो, IPL खेल सकते हो, एक अक्लेम्ड क्रिकेटर फर्स्ट क्लास में बन सकते हो, बट खेलेंगे 11। अब इसमें सर क्या ज़्यादा लक का फैक्टर ज़्यादा रहता है या फिर या स्किल भी काम आती है उसको? सारी चीज़ें हैं सुप्रीत, इसमें लक भी है और स्किल भी है, आपकी मेहनत भी है, सब चीज़ें हैं। अभी से फॉर एग्जांपल आपको कोई पंडित जी आगे कह जाए भी सुप्रीत तू इंडिया खेलेगा, और आप सारा दिन स्टूडियो में एसी में बैठे रहो, करके देखो खेल जाओगे इंडिया, उसके लिए एफर्ट्स, वो सिस्टम ही ऐसा बन जाता है जिसने इंडिया खेलना होता है या जो जो है, ये ना बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। कोई ये कह दे जी मैंने उसको बनाया, ना नहीं बना सकता ना, वो जो उसकी डेस्टिनी है, जो उसकी मेहनत है, जो उसमें लिखा है, वो होना होना है, वो नहीं हट सकता, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोच का काम होता है सिर्फ ब्रशिंग करना, ब्रश करके उसकी जो चीज़ें हैं उसको साफ करना और आगे भेजना, बना के तो उसने भेजा हुआ है, बना के तो उसने भेज रखा है, जो भी बनेगा वो, हमको तो सिर्फ रोल अदा करना है भी, यार हमारे पास आया ठीक है, ब्रशिंग की आगे भेजा, ब्रशिंग की आगे भेजा, वो चला गया। तो कई बार ऐसे भी लगता है सर कि भाई बहुत अच्छा क्रिकेटर है
बट वो और इंडिया खेल सकता है पर वो छोड़ जाता है जल्दी, ऐसा भी हो? बड़े होते हैं कोई छोड़ जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई किसी की फैमिली सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं। मिड लाइफ में बड़े ऐसे प्लेयर आए जो बड़े हाईली टैलेंटेड थे लेकिन सर फैमिली सर्कमस्टांसेस नहीं थे क्योंकि पैसा नहीं था गेम में। अभी तो आप देखो ना, आप अंडर 15 भी जो भी खेल रहा है, अंडर 16 सबसे लोएस्ट गेम है, तो उसमें भी जो मैच मनी 10,000 रुपये पर डे मिलती है, आपको 5-स्टार होटल में स्टे है, आपको बाई एयर ट्रैवलिंग है, ग्लैमर भी तो बहुत आ गया ना, 5-स्टार होटल बाई एयर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और आप बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम्स में खेल रहे हो। तो अंडर 16 से बोर्ड तो जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है, बीसीसीआई तो कर रहा है, लेकिन हमने देखना हमको कहाँ कैरिड अवे होना है और कहाँ उसको हमने फुल स्टॉप लगाना है। वो तो बींग अ कोच कर सकता है। अब कोच को भी कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग है क्योंकि पेरेंट्स का सपना बहुत बड़ा हो जाता है तो वो कैरिड अवे हो जाते हैं। अब बड़े बच्चे हैं जो अंडर 16 खेलते हैं, 19 खेलते हैं और अचानक सीन में से गायब। कितने सारे आप वर्ल्ड कप निकाल के देखो अंडर 19 का, अंडर 19 वर्ल्ड कप एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर लड़के बहुत परफॉर्म करते हैं और लेकिन इंडिया नहीं खेल पाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं, ये नहीं है। चेक कर रहा था। अच्छा, है ना, तो अभी उन्मुख चंद ही है जी। आप लगा के चलो वहां से खेलने लगा है, कंट्री खेल यूएस से खेल रहा है, तो समहाउ नहीं था उसकी डेस्टिनी में, नहीं था या उसके सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए। मैंने भी एक दिन उसको जब वर्ल्ड कप खेल के आया था तो वनडे मैच था दिल्ली और पंजाब का, और मैं उसको बैटिंग देख रहा था, मैं वहाँ गुड़गांव में मैच था, गुड़गांव मैच था तो मैं मैच देखने चला गया, राजंगत को साथ ले गया, छोटा सा था ये, मेरे पास वो पिक्चर भी है। तो सिद्धार्थ गौर ने उसको बॉल किया, उसने ऐसे करके एक चौका मारा, अगला उसने छोटा मारा, उसने सिर के ऊपर खड़ी कर दी। चीज़ें ये हैं भी, वो क्यों नहीं खेला, टैलेंट तो है। अब अगर मान लो वो जाके यूएस से खेल जाता है, खेला तो कंट्री ना, इंटरनेशनल तो हो गया, वर्ल्ड कप भी खेलेगा, ठीक है, इंडिया से नहीं खेल पाया, वहाँ से खेल गया, ठीक है, हो सकता है उसकी डेस्टिनी में ऐसा ही हो, इंटरनेशनल बनना लिखा हो सकता है जगह चेंज हुई, यहाँ से गया, देखो पता नहीं। मैं तो उस वाहिगुरु में, अल्लाह में, अलमाइटी में, बहुत भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ। जो एक पावर है, आप उसको पावर को किसी भी रूप में देख लो, ठीक है, वो जो चीज़ ऊपर से बन के आई है, वो उसने वो चीज़ ने वहाँ पहुँचना ही है, अचीव करना ही है, पहुँचेगा। तो बींग अ कोच, बींग अ टीचर, हम तो सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू जी आप एग्जांपल लेके चलो, कहाँ थे, क्रिकेटर थे, वहाँ से टीम से बाहर हुए, पॉलिटिशियन बने, कमेंटेटर बने, पॉलिटिशियन बने, पॉलिटिशियन बन के हैपनिंग्स हुई, मिस हैपनिंग हुई, अल्टीमेटली वापस कमेंट्री पे आ गए। That's the reality. तो ये चीजें सब ये हमारे कंट्रोल में नहीं, ये कंट्रोल में नहीं है। एक यूनिवर्स चला रहे हैं, यूनिवर्स बस ओदी ओट लगे चलते हैं। कहते हैं ना जन्म अटल है, जन्म तो है, मृत्यु भी अटल है, जिस दिन होनी उस दिन होनी, कैसे होनी है ये कुछ नहीं पता, और जन्म भी हो रहा है, हो गया, उसके बाद डेथ पता है भी बंदे को होनी है। जब वो दो चीजें अटल है तो हमारे हाथ में नहीं है, तो बीच में हमारे हाथ में कैसे हो सकती है, कितनी हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकती है। क्रिकेट इन चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिस एरिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ इंडिया, इट्स ऑलवेज बीन के जो इस एरिया से सबसे ज्यादा क्रिकेटर्स जाते थे, और आप 1983 वर्ल्ड कप में भी देखे तो इस बेल्ट से बहुत क्रिकेटर्स थे। बट इफ वी गो टुडे, इफ वी सी टुडे, तो जो एक इस रीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज से थोड़ा कम हो गया इंटरनेशनल इंडिया में खेलने के लिए, ये क्या मेजर रीजन क्या है? एक्चुअली क्रिकेट ना बहुत चेंज हो गई है, क्रिकेट गेम बहुत तेज हो गई है। अभी आप देखोगे आने वाले टाइम में इस रीजन से भी जो होगा, क्योंकि उसमें जो ये जो T20 का गेम है, आप देखोगे जो पंजाब की टीम को ही लेके चलो, पंजाब किंग्स की, तो उसमें 6-7 लड़के पंजाब से हैं ना, नॉर्थ से और एक दो लड़के हैं वो हैं। लेकिन अगर हम इंडियन टीम देखें तो आज की डेट में इंडियन टीम में आप पंजाब नहीं, आप नॉर्थ लेके चलो ना, इंक्लूड्स दिल्ली, पंजाब, J&K, है ना, आप इस ये बेल्ट एक ही है सारी, दिल्ली तक बेल्ट सारी एक ही है। तो पंजाब में से या हरियाणा से आगे भी कॉन्ट्रीब्यूशन एक दो प्लेयर की ही रही है। कभी भी आप देखोगे भी बहुत सारे प्लेयर, युवराज खेलता था तो दिनेश मुंगिया आया, और हरभजन सिंह था, तीन थे ना, या हरभजन और युवराज थे, फिर बीच में फास्ट बॉलर हरविंदर आया था अमृतसर से, जिसको कहते थे जी, है ना, तो अब अर्शदीप आया नीचे, है ना, तो जो इंडिया टच कर रहे हैं, तो पंजाब की हरियाणा से तो इंडिया अभी मेरे ख्याल कोई भी नहीं टच कर रहा, हरियाणा से कोई भी नहीं है। आप हिमाचल लेके चलो तो अभी कोई भी नहीं है, हिमाचल से तो चलो वैसे ही एक ऋषि धवन खेला थोड़ी देर, है ना, तो J&K से उमरान मलिक आया, या
एक आधा और कोई ऑफ स्पिनर था एक पहले, पर इंडिया नहीं टच किए। इंडिया जो खेले हैं वो या एक उसके उसके पीछे पीछे रीजन है, जो दिल्ली में ना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बहुत है, दिल्ली से लड़के खेले काफी, या फिर साउथ से खेलते हैं, वेस्ट से खेलते हैं, ज्यादा बच्चे साउथ से खेलते हैं। पर ऑफ लेट अगर आप देखोगे तो अब छोटे शहरों से भी आ रहे हैं, यूपी से भी, यूपी में जो छोटे शहर हैं वहां से आ रहे हैं, मेरठ, आगरा, भुवनेश्वर कुमार आया, रिंकू सिंह आया। तो ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है क्योंकि क्रिकेट काफी फैली है। तो पहले कॉन्ट्रीब्यूशन होती थी सिर्फ वेस्ट की या साउथ की, या कर्नाटका में से 7-8 लड़के खेलते थे, वेस्ट के, मुंबई के खेलते थे और दिल्ली के और एक दो पंजाब के। अब उसमें पंजाब की और हरियाणा की कॉन्ट्रीब्यूशन एक एक दो दो तीन तीन लड़कों की होती थी, वो अभी भी है। अब क्या हो रहा है, उन स्टेट्स की जो कर्नाटक है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो गई है। अब यूपी से आ गए, मध्य प्रदेश से बच्चे हैं, साउथ से भी, साउथ से बहुत आने शुरू हो गए है ना, ईस्ट से आ रहे हैं। तो वो है क्योंकि छोटे छोटे शहरों में गेम पहुंच गई है, वहां से भी बच्चे आ रहे हैं। अब देखिए उत्तराखंड से, अब ऋषभ पंत को आप देखिए, चलो दिल्ली में खेलता था बेसिकली तो उत्तराखंड से, है ना? तो वो है, वो इसलिए गया होगा, उत्तराखंड की उस वक्त एफिलेशन नहीं थी तो वहां चले गए। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे पंजाब चंडीगढ़ के भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिनको एफिलेशन नहीं मिली थी तो इधर उधर स्टेटों से खेलते थे, हरियाणा से खेलते थे, पंजाब से खेलते थे, या फिर हिमाचल से बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करके वापस हिमाचल से खेलते थे। तो अब चीज, अब एफिलेशन मिल गई है तो कंट्रीब्यूशन का कोई ऐसा वो नहीं। अब जैसे अब हम अगर स्टेट को लेके चले तो पंजाब बहुत बड़ी स्टेट है, पंजाब में बहुत बच्चा खेलता है, चंडीगढ़ कंपैरेटिवली एक शहर है जी, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेशन उतनी कम है उस हिसाब से। हरियाणा बहुत बड़ा है। अब हरियाणा में क्रिकेट आप जरूर कह लो भी खेलते बहुत होंगे, लेकिन प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर ये कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है। आप पंजाब में लेके चलो, पंजाब में अब ऑफ लेट सेंटर्स डेवलप हो गए हैं बहुत सारे और अच्छी क्रिकेट हो रही है, इसीलिए किंग्स पंजाब में लड़के 6-7 इनके हैं, अच्छे लड़के हैं, अमृतसर से भी इधर सारे हैं। चंडीगढ़ में भी कोचिंग अब 16 में थी और काफ़ी सारे सेंटर्स खुल गए हैं। तो अभी क्योंकि नवी नवी एफिलेशन मिली है, अब देखिए ना, अब चंडीगढ़ से अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2 लड़के गए और दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया 2 साल पहले पिछली वर्ल्ड कप में, चंडीगढ़ से 2 लड़के गए। तो आप देखिए 15 में से चंडीगढ़ से 2 गए, यशदुल कैप्टन था 3, 2 हरियाणा के थे 5, ठीक है, एक आधा पंजाब का होगा 6, तो 6-7 लड़के जो थे नॉर्थ के थे अंडर 19 इंडिया में, ठीक है। अब वो वहां से धीरे धीरे ग्रेजुएट करेंगे, यशदुल आएगा, मेरा बेटा खेल रहा है, हरनूर खेल रहा है, और निशांत सिद्धू हरियाणा से खेल रहा है ना। तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इक्वली नॉर्थ की कॉन्ट्रीब्यूशन थी, तो बच्चा कहीं ना कहीं रह रहा है तो वो ऊपर वाली क्रिकेट में जाके रह रहा है, तो मेच्योरिटी लेवल उतना नहीं आ रहा जितना मुंबई में या साउथ में उस जगह के ऊपर जो बच्चे मेंटली या गेम वाइज मेच्योर हो, थोड़ा सटल भी वहां पे थोड़ा रहते हैं जैसे। एग्जैक्टली, यहाँ पर चीजें थोड़ी आसान मिलती हैं, वहां पर आपको स्ट्रगल। दिल्ली में आप देख लीजिए, आप उसका वरिंदर सहवाग का एग्जाम्पल ले लीजिए, कहाँ से जाता था बाइक के ऊपर बैठ के, स्कूटरों पर बैठ के कहाँ प्रैक्टिस करने जाता था, नजफगढ़ से जाना, फिर ओशा कोटला और करना वहां जहाँ भी प्रैक्टिस करता रहा वो भी था। अब चीजें क्या हो गई है, तब बहुत ही मेंटली टफ होते थे वो प्लेयर, मेंटली टफ हो जाते थे डिफिकल्टीज में। आजकल थोड़ा सा इस रीजन से आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा जब ग्लैमर मिल जाता है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं वो, अपने पंजाबी छगा था है ना, थोड़ा जहा होना था, कॉलर हो गए थे जी, ऐसी प्लेयर हो गए जी, पागे जाना, वो तो हमारे थोड़ी एरोगेंस वो एरोगेंस वो तो फिर वो तो जोन वाइज है, हमारे यहाँ के थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं, मुंबई उस वेस्ट वाली साइड से लोग वो सबमिसिव हैं, ईस्ट जो है कैलकटा से उनकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है, साउथ वाले डिफरेंट है, वो उनके बेसिक है, उनकी नेचर में ही वैसा है, वही उनकी गेम में रिफ्लेक्ट करता है, वही उनकी गेम में रिफ्लेक्ट करता है। तभी यहाँ एग्रेसिव क्रिकेट ज्यादा खेला जाता है, तभी यहाँ पे एग्रेसिव क्रिकेट ज्यादा होता है, वहाँ पे वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो पूरे इंडिया का ब्लेंड अगर रहे तो हर जगह का एक बैलेंस भी आ जाता है और एग्रेशन भी आ जाता है, तभी एक आधा पंजाबी अगर कहो कि अगर ड्रेसिंग रूम में कहते अगर होता है तो वो एक माहौल बना रहता है, कंप्लीट रहता है, माहौल बना रहता है। दैट्स वेरी ट्रू इन अ वे, ये चीजें सारी चीजें मिलके होती हैं, बट अगर आपने जैसे बताया अभी कि दीज 4-5 क्रिकेटर्स दे हैव कम अप वेल अंडर 19 में भी, तो इंडिया में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जा सकता है from this part of India. Shubman Gill is another example. He's a very balanced head, I find sometimes. Very balanced head. तो जैसे he has matured as well. जी. तो अभी देखो off late ये जो अब हम इंडियन टीम लेके चलते हैं,
जो भी उसमें अब कितने, एक शुभमन गिल है पंजाब से, और नॉर्थ से लगा के चलो अर्शदीप से वन डे जो भी है ना, तो एक नीचे से उमरान मलिक J&K से, तो वही 5-6-7-8 लड़के 10 हैं, इतने ही होते हैं, वो आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना, तो वो उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन ठीक है। अब आप मुंबई से या वेस्ट से लेके चलो तो वेस्ट से कितने आप गिनोगे, तो उतने ही 5-6, 4-5-6 उधर से, 4-5-6 उधर से, 4-5 इन्हीं में से जो क्लिक करता है वो ऊपर। प्लेयर तो सर वही 15-20 ही होते हैं, वही रोटेट। अभी BCCI ने बड़ी अच्छी पॉलिसी है, हमारी एक टीम वहां खेलने गई हुई थी, दूसरी टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो हमारे पास इतना टैलेंट है। अब वो टैलेंट की ग्रूमिंग कैसे होती है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इन ये जो साउथ और ये जो वेस्ट है, इन 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 पार्ट्स में ग्रूमिंग बच्चे की अच्छी होती है। जो एक बच्चा होता है उसकी ग्रूमिंग बड़ी अच्छी होती है, उनका ग्रूम करने का एक डिफरेंट ढंग होता है। चलो मैं कंट्रोवर्शियल है, इसको नहीं ज़्यादा डिस्कस करूंगा, पर उनका ढंग ग्रूम करने का डिफरेंट है। हमारे नॉर्थ में थोड़ा सा एक ग्रूम करने का ढंग डिफरेंट है। वो बच्चे को एक को पकड़ते हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल है, देखो कैसे ग्रूम कर रहे हैं उसको, कर रहे हैं उसको हर फॉर्मेट में ले गए, है ना, वो खेल रहा है, कर रहा है, और नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो कर रहा है। तो उससे पहले भी आप लेके चलो कितने प्लेयर हैं जो उनकी ग्रूमिंग अच्छी हो रही है उस साइड से, तो वो ऊपर तक जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ग्रूमिंग में मेरे को लगता है होगा, लेकिन अब पंजाब तो ग्रूमिंग अच्छा करती है, तो ये स्टेट्स हैं। अब रीजंस देखा जाए तो नहीं भी हैं, और देखा जाए तो हैं भी हैं, क्योंकि 5-5-7-7 प्लेयर हर जोन में से हैं। अब लगा के चलो अगर इंडिया की 2 टीमें लगा के चलें, अब खेलने तो फिर वही बताओ ना, उतने ही है 11, तो हर जगह से थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन है, नॉर्थ से भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसा तो नहीं है अभी कंट्रीब्यूशन नहीं है। नॉर्मली बात की जाती है क्रिकेट में कि सिफारिश भी चलती है, सिफारिश किस लेवल तक चलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम तक जो खेल रहा है वहां तो नहीं चल सकती, क्योंकि वो तो एक नेक्स्ट लेवल टॉप लेवल आ जाता है। निष्पारिश इनिशियली किसी को अंदर एंटर होने के लिए 19-20 है या है तो सिफारिश चल जाती होगी। अल्टीमेटली तो उस रस्से के अंदर, उस चूना रेखा के अंदर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो परफॉर्म तो आप ही ने करना है, सिफारिश लगा के कितना। अगर आप रस्से के अंदर जाओगे तो बैटिंग बॉलिंग आप ही ने करनी है, एक्सपोज हो जाओगे। मीडिया आजकल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, पहले मीडिया नहीं होता था तो चल जाता था, अब स्टेज के ऊपर जाओगे तो भाई साहब भंगड़ा तो आपने डालना है, कोई उसकी जगह डाल नहीं सकता। स्टेज पे चढ़ा सकता है आपको, लेकिन वहां तो खुद ही करना पड़ेगा। सेम वे क्रिकेट में आप जाओगे तो रस्से के अंदर तो आप ही ने करना है, उसमें आपको कोई सिफारिश, कोई कुछ, कोई हेल्प नहीं करेगा। इट इज ओनली यू जिसने परफॉर्म करना। टेक्निकली देखा जाए विराट कोहली केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वो तो आज जो विराट कोहली है या सचिन तेंदुलकर है सचिन तेंदुलकर बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। बहुत सारे हैं, आप देखो शामी लेके चलो, आप भुवनेश्वर कुमार लेके देखो, ये कोई कोई बड़े कोई ऐसी सिफारिशी फैमिली उनमें से तो नहीं थे, सिफारिश वाला तो खेलना होता। हरभजन सिंह, हरभजन सिंह देख लो, कोई नहीं, कोई फैमिली उसमें से नहीं था, और बड़े हरविंदर आप देख लो खेला इंडिया, तो कुछ ऐसा नहीं था जो बच्चे खेले हैं। तो सिफारिश एक सर्टन एक्सटेंट पे आपको एक एंट्री कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिलवा देगी, थोड़ा बहुत हेल्प होगी, लेकिन करना तो खुद ही पड़ेगा। एक और सर क्रिकेट में बोला जाता है नॉर्मली, हम भी जब खेलते थे, कि पढ़ाई और क्रिकेट इकट्ठे नहीं चल पाते। ये भी दोनों चीजें ही हैं, बड़े सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए चलो दूर क्या जाना, अनिल कुंबले देख लो, राहुल द्रविड़ देख लो, बड़े लोग ऐसे हैं जो कि रवि शास्त्री वगैरह ये जो पढ़े भी हैं और साथ में क्रिकेट भी खेले हैं, लेकिन बड़े सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा कहा होता है अभी पढ़ाई और ये चीजें चलने करने वाले करते हैं, ऐसी बात नहीं, करने वाले करते हैं, लेकिन फिर ये डिपेंड करता है अगेन भी आप कितना टाइम अपने पैशन को देते हो और कितना टाइम पढ़ाई को देते हो। यूजली हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं जी 8 बजे बच्चा स्कूल जाता है, 2 बजे छुट्टी होती है, आपके पास 4 बजे आएगा, जी 1 ही घंटे के लिए आएगा, लेकिन कोचिंग आपसे करवानी है तो 1 घंटे के लिए आएगा जी, क्योंकि उसके बाद उसकी 5 बजे फिर ट्यूशन होती है, 6 बजे फिर उसकी ट्यूशन होती है, मतलब 8-10 साल का बच्चा आगे पेरेंट्स ये आगे बात करते हैं सुबह, और जो 8 बजे स्कूल पहुंचने के लिए आपको 6 बजे तो उठना पड़ता होगा ना, तो आप 6 बजे से कैलकुलेट करिए 2 बजे तक, 3 बजे घर आया, उसके बाद जो उसका पैशन है उसके लिए आपके पास 1 ही घंटा है, ठीक है। तो ये बैलेंस करनी चीजें डिफिकल्ट भी हैं और आसान भी हैं, वो कैसे बैलेंस की जाए। अब जैसे से फॉर एग्जांपल, खैर मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाई साथ में की है, मैंने बीकॉम किया, मैंने लॉ किया, लॉ करते करते बीच में से मैं कोर्स करने गया, वो भी पढ़ाई करके ही मैं
पहुंचा। दोनों चीजें बैलेंस हो रही थी, बीकॉम भी चल रहा था, पढ़ाई भी की, कभी फेल भी नहीं हुए, चल रहा था उतना। उस वक्त 60% लेने बहुत बड़ी बात होती थी, अब 98% भी कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल। आपका मेन यही सजेशन है कि मतलब पढ़ाई, एक बेसिक पढ़ाई जरूर रखें। बेसिक पढ़ाई तो जरूर रखनी साथ में पड़ेगी, ठीक है ना, बेसिक पढ़ाई तो रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते 98% भी लो और इंडिया भी खेल जाओ, वो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 60-80% तक आप मार्क्स ले सकते हो पढ़ाई, अगर आप रेगुलर एक घंटा जाके थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। तो एक बार तो मैंने फॉर्म्स बनवाए थे, एडमिशन फॉर्म्स, उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था मार्क्स ऑब्टेंड इन प्रीवियस क्लास। तो मैं जब फॉर्म भरवाता था तो मैं उसमें लिखता था से 67%, ठीक है। तो बच्चों को प्रेशराइज करने के लिए मैं बोल देता था भी अगर ये 67 से कम हो गए तो आपको अगले साल एडमिशन नहीं मिलेगी। That's a very good initiative. हाँ, मैंने ये initiative भी लिया कि अगर आपके कम हो गए marks, तो initially जब मैं चंडीगढ़ में 16 sector में आया था, तो जो form जब fees लगनी शुरू हुई थी, तब तो 100 rupees साल की fees होती थी, अब भी 600 rupees पर year है, fees ज्यादा नहीं है। लेकिन जब वो form बनता है, आई कार्ड बनता है, तो तब मैंने उसके अंदर mention किया था भी marks obtained in previous class 70%। तो बच्चे को बोल दिया जाता था 69 हो गए तो you'll be shunted out, 70 रहेंगे तो you'll stay, 71 रहेंगे तो you are again, you'll stay, you are welcome. वो हुआ था, मतलब लोगों ने seriously लेके? हाँ, seriously हुआ, बड़े साल चला। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई, फिर मैं अब जब वापस आया 2016 में वापस आया, तो वो नहीं है चीजें, वो इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था, मैं 10-12 साल जितने साल यहाँ रहा वो मैं वो करता था, और वो रिजल्ट्स दे रही थी मार्क्स मेंशन। और अगले साल जब उसका फॉर्म भरा जाता था तो मैं पूछता था, बीच बीच में रैंडमली मैं चेक भी कर लेता था, लाओ शीट, लाओ अपना वो कार्ड, लाओ मार्कशीट कर भी लेता था, तो सारे उनको रहे भी यार हाँ ये चेक कर रहा है तो हमारा भी चेक कर सकता, तो झूठ नहीं बोलते थे, आपको सच्ची बोलना पड़ेगा ना। सर, आई हैव सीन दिस इन अदर कंट्रीज एज वेल, इवन कंट्रीज लाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ लोग अपनी पढ़ाई रखते हैं, मतलब बेसिक पढ़ाई हर कोई करता है, इनफैक्ट वो लोग तो पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, क्रिकेट खेलते हुए भी खेलते हैं। तो ये सब चीजें बैलेंस हो सकती है, अगर हम चाहें तो। बेसिक पढ़ाई तो हो सकती है, बेसिक पढ़ाई तो करनी भी चाहिए। अब मैंने बताया ना, अब जैसे मेरा बेटा ही पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो प्रॉपरली ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसको ग्रेजुएशन जरूरी है। लेकिन बीच में कई ऐसे ना, जैसे सचिन 12th में ही खेल गया, अब उसको पढ़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिल गई, वो तो अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी मिल गई, टैलेंट इतना था, तो 12th में वो खेल गया, उसके बाद पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिला। बट ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता, हमारे एग्जामिनेशन जिन दिनों में एग्जाम्स होते हैं उन दिनों में आप इंटरनेशनल सीरीज खेलने गए हो, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप था जब अंडर 19 का, मेरा बेटा खेलने गया था, तो एग्जाम्स थे, मिस हो गए, साल मिस हो गया, या स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली तो उसमें क्लियर हुआ। और वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी सचिन को अगर मिलती तेंदुलकर को, तो वो हो सकता है उस वक्त दूसरी सीरीज खेलने गया होता। तो ऐसी चीजें पॉसिबल हैं जो एथलीट्स हाई लेवल उस पे है, अदरवाइज एक जर्नल उसमें तो पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई तो साथ में रखनी चाहिए। फादर को जो आई थिंक बच्चे को एक प्रेशर भी अलग से रहता होगा, और आपको भी एज अ प्रेशर ज्यादा रहता होगा कि यार एक बच्चे को लेके। नहीं, मेरे पे प्रेशर तो रहता है, लेकिन मैंने पहले दिन से ये कोशिश की है भी उसके ऊपर प्रेशर मैं ना डालूं, जो मेरा प्रेशर है मैं अपने आप अपने में ऑब्जर्व कर लूं और उस पर ना प्रेशर डाल दें। वी आर मोर ऑफ अ फ्रेंडली उसमें रखता हूँ मैं उसको, मैं कभी उसके सिर के ऊपर जाके खड़ा नहीं होता अभी आज तो बैटिंग नहीं ठीक कर रहा नहीं कर रहा, उसको भी मैं थ्रू आउट, आप जाके अगर पूछोगे स्टेडियम में 16 sector में या कहीं पे भी, अगर 10 बच्चे बैटिंग कर रहे हैं एक दिन और उनका 20 मिनट टाइम है, तो वो भी 21 मिनट बैटिंग नहीं करता, वो भी 10 मिनट की बैटिंग करेगा। अगर वो 20 बॉलें डालेगा तो बाकी बॉलर भी 20-20 डाल रहे हैं, तो वो भी उतनी डालेगा, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं सिर पे खड़े होकर नहीं देखता कभी भी, उसको भी मैं कुछ स्पेशल कोचिंग नहीं करता भी मैं तेरे को बॉलें डालूं, लेकिन वो नजर है, एक नजर पड़ती है पता लगता है ये गड़बड़ है। अगर उसको भी लगी, उसने आगे मुझसे पूछा, तो बता दूंगा भी हाँ ये ठीक है, या मुझे लगा यार इस ये चीज ड्रास्टिक है कोई चीज, इसको नहीं हटाना है या इसको, तो उतना की बस, बाकी वो है ना बना के तो उसने भेजा, अपने आप ग्रूम करेगा, हमको तो हल्का हल्का वो देना। तो अल्टीमेटली फिर मैं अपने आप को वहां ला के समझाता हूँ, जब अंदर का बाप जागता है, पिता, फादर, तो फिर मैं वो तो भाई कोच वाले जूतों में आ जाऊँ, कोच नॉर्मल। तो मेरी पूरी कोशिश रही है, वो लेता होगा कहीं ना कहीं प्रेशर, तो मैं उसको भी समझाता हूँ कि नहीं लेना ऐसा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता भी उस पर कोई ऐसा प्रेशर होगा, क्योंकि
यूजली जब मैं खेलता था मेरे फादर आके ग्राउंड में बैठ जाते थे तो मेरे पे प्रेशर हो जाता था, मेरे से परफॉर्म नहीं होता था, मैं कॉन्शियस हो जाता था। तो उसको मैंने वो बचपन से ही चीज़ ग्रूम करनी शुरू कर दी, मैं मैचेस पे उसके बैठना शुरू हो गया। फिर मैं पूछता भी था तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर वो बोल एक आधी बार उसने बोला पापा, तो मैं बोला यार ऑडियंस हूँ मैं, दर्शक हूँ, अभी से आदत डाल, यू आर इन टू अ लर्निंग प्रोसेस, आप सीख रहे हो। आज तो चल अकेला मैं बैठा तेरे को दिख रहा हूँ, हो सकता है 20,000 का क्राउड हो, फिर क्या करेगा, उसमें भी तो खेलना है। ये स्टार्टिंग से ये ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ये ट्रेनिंग भी कि आप किसी भी प्रेशर सिचुएशन में काम होके खेल सको। बड़े सारे पेरेंट्स हैं जिनके जो, क्योंकि मेरे को भी तो सीखा ना मैंने, बड़े सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स में जिनके पेरेंट्स खड़े होते थे उनसे परफॉर्म नहीं होता था, तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करनी भी आप काइंडली मत आया करो। तो जब एक आधी बार हुआ तो बच्चे ने परफॉर्म किया तो मुझे लगा यार ये जो मेरा मेथड है ये ठीक है, फिर भी पेरेंट्स नहीं हटते थे तो फिर उनको बोल देता था यार आप कहीं छुप के देख लो, पता ना चले, पता ना चले भी आप मैच देख रहे हो, है ना। वो भी एक तरीका है, अब पेरेंट्स को भी क्यूरियोसिटी है बच्चे को देखना है और बच्चे को लग रहा है भी पिताजी क्यों खड़े हैं, तो दोनों को बैलेंस करना, तो भाई अब छुप के देख लो बच्चे को ना दिखे। अभी एक इंसिडेंट लास्ट इसी साल सीजन में हुआ है, कोई पेरेंट थे कहीं चले गए उसका मैच देखने, उससे रन ही नहीं हो रहे थे, उसका फोन आया बाई चांस, पेरेंट का फोन आ गया मेरे को, ये तो रन नहीं कर रहा जी, क्या कर रहा है, मैं क्या आप कहाँ हो गए थे जी, आए मैच पे, मैं कहा भाई साहब काइंडली लीव, वापस आ जाइए चंडीगढ़, अगले मैच में उसने 84 कर दिया। ये सारी चीजें देखो है तो इट इज ऑल माइंड। 16 साल के बाद एवरीथिंग इज हेयर, क्रिकेट सब कुछ यहाँ है, दिमाग है, जो टेक्निक जो फिजिकली उसकी चीजें वो तो हो जाती इम्प्रूव, 19-20 का उसमें फर्क डलता है। अगर किसी का कोई एक्शन या कोई चीज गलत है उसको आप ठीक करने लगो तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो एक मसल मेमोरी में जो पक गया आ गया 16-17-18 साल की उम्र में, उसको जब आप ब्रेक करोगे तो इंजरी आने के भी चांसेस होते हैं, इंजरी भी आ सकती है उसको ब्रेक करने के चक्कर में, क्योंकि कई बार बच्चे के पास पेशेंस नहीं होती तो उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है तो इंजरी आ जाती है, बड़ी सारी चीजें होती है। स्पोर्ट्स में मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ ही जरूरी है, उसी के साथ सारी चीजें अपने आप, उसके साथ सारी चीजें अपने आप। सर द थीम ऑफ अ पॉडकास्ट इज इंस्पायर मी फ्रॉम यू बीइंग अ कोच, बहुत लोग आज तक इंस्पायर हुए होंगे, पर मैं चाहना सर तुसी ना एक 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 गुरु मंत्र दो फॉर ऑल द किड्स और इवन टीनेजर्स हु आर प्लेइंग क्रिकेट और हु आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग क्रिकेट, मतलब जिदा अगर छोटी एज यू मेंशन के 8-9 साल से शुरू हो जाना चाहिए और टीनेज में तभी वो ब्लूम कर सकता है, तो वो सभी के लिए एक ऐसा मंत्र और उनके पेरेंट्स के लिए भी कि अगर वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं सीरियसली तो किस एटीट्यूड के साथ खेलें, पेरेंट्स क्या एटीट्यूड रखें, हालांकि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और एट द सेम टाइम अगर लगे कि ये क्रिकेट इज नॉट मेंट फॉर देम, मे बी देर इज सम अदर स्पोर्ट और सम अदर प्रोफेशन, तो वो उससे भी विड्रॉ कैसे कर सके, तो एक एक गुरु मंत्र वी वांट फ्रॉम यू। देखो पेरेंट्स से मेरी सबसे पहले पार्ट पेरेंट का है, बच्चा तो छोटा होता है उसको तो टीवी पे क्रिकेट दिख रही है तो उसको क्रिकेटर ही बनना है जी, उसको कोई और गेम दिख ही नहीं रही ना, क्योंकि क्रिकेट ही है टीवी के ऊपर, हॉकी फुटबॉल स्विमिंग तो आती नहीं है ज्यादा, कितनी होती है, तो एक क्रिकेट ऐसा गेम है जो सुबह भी लगा लो तो रीप्ले आ रहा होता है, शाम को मैच आ रहा होता है, प्रॉपर मैच आ रहा होता है, वो चल रहा है पूरा साल, चल रहा है पूरा साल चल रहा होता है, तो नेचुरली जो बच्चा देखेगा जो लर्न बाय वॉचिंग होता है, लर्निंग बाय वॉचिंग होती है, वो तो देख रहा है क्रिकेट तो उसको क्रिकेट अच्छा लगता है, ग्लैमर है सब कुछ है, भीड़ है ना, तो एक इम्पैक्ट आ जाता है। अब उसको हैंडल पेरेंट्स ने करना उस एज में पेरेंट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जाएं किसी भी अच्छे, पहले सबसे पहले मेरी उनसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल की बैकग्राउंड चेक करते हो, कौन सा स्कूल है, सेंट जॉन्स है, डीएवी स्कूल है या 35 मॉडल है, कहाँ है, कहाँ के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ जो पढ़ा रहा है, वहाँ जो कोच है, स्कूल में जो पढ़ा रहा है या जो कोच है उसकी क्या बैकग्राउंड है, ये मत देखिए भी वो क्या खेला हुआ है, ये देखिए उसकी कोच, अब वो एक अलग पार्ट है, कोचिंग एक अलग पार्ट है और एक खेला हुआ जो है वो कोचिंग कर रहा है, वो दो अलग चीजें हैं, वो जो इंटरनेशनल खेला हुआ ही कैन बी अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोच ऑल्सो, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इंडिया खेला हुआ बहुत अच्छा कोच भी हो। तो जो एक कोच बाय प्रोफेशन है, जो एक टीचर है, वो टीचर है वो आईएएस तैयार कर लेता है ना, खुद तो आईएएस नहीं बनता, ठीक है। अब आईएएस बहुत रेयर देखा आपने भी वो टीचर को तैयार करे या आईएएस आईएएस तैयार करे,
कोई आईएएस है, ये रियलिटी हर प्रोफेशन में है ना, वो आईएएस है, वो आईएएस को तैयार नहीं कर रहा ना, लेकिन जो बच्चे हैं जो हैं वो उसका एक्सपीरियंस लेने जाना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो कोच है बचपन से जिसने ग्रूम किया ही इज द फाइनल अथॉरिटी, वो होनी चाहिए। तो पेरेंट्स को चाहिए वो सारा बैकग्राउंड चेक करें भी यार ये खेला है, ठीक है ये इंडिया खेला है, ये कोच है, ये 20 साल से कोच है, अब इनके पास्ट में रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है रिजल्ट्स क्या हैं, इसके रिजल्ट्स हैं तो नेचुरली उसके पास कोई तरीका होगा। देखिए यहाँ से दिल्ली पहुँचना है ट्रेन में, तो रेलवे स्टेशन जाना होगा, वहाँ से अम्बाला आएगा, करनाल आएगा और दिल्ली जाएगा ना, यहाँ से लुधियाना हो के अमृतसर हो के तो दिल्ली नहीं जाया जाएगा, रास्ता तो वही है। तो जिसके पास रिजल्ट्स ज़्यादा उसको पता है रास्ता, यार ये रास्ता इसी पे हम भेजते रहेंगे तो दिल्ली पहुँचते रहेंगे, ठीक है रास्ता वही है। तो पेरेंट्स को चाहिए भी वो देखें, कोच की बात सुने। आज तक आई थिंक मुझे लगता नहीं कि खुल के इस बारे में बात भी कभी हुई है, और ये बहुत ज़रूरी है मेरे साथ। बात मैं करता हूँ पेरेंट्स के साथ पर समहाउ आपको बताया ना लोगों के कोचेस वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कितने। अब आप बीमार होते हो या आपका बच्चा बीमार होता है, आप किसके पास लेके जाते हो, आपका बच्चा बीमार होता है आप किसके पास जाते हो, एमबीबीएस क्वालिफाइड केस करना है आप कहाँ जाते हो, लॉ ग्रेजुएट के पास। यस, तो वाई क्रिकेट, हम क्रिकेट एक्सपर्ट के पास ही जाएंगे, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे। तो एक्सपर्ट की क्या आज तक की आउटकम्स रहे हैं, क्या उसकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है एक्सपर्ट की, जो क्रिकेट का उसने क्या कोचिंग में क्या हासिल किया है आज तक, उसको गौर करें, उस पर ट्रस्ट करें, ट्रस्ट बिल्ट अप करें, ठीक है तो वो फिर देखें। क्योंकि हो सकता मेरा इंटरेस्ट बच्चे को गाइड ठीक करने में, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट फीस लेने में हो, अब समझिए बात को, हर बंदे का इंटरेस्ट नहीं होता। आपने एकेडमी चला रहे हैं, आपको एकेडमी से पैसे आ रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग चल रही है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप कीजिए, बच्चे पे स्पेंड कीजिए ये नहीं, लेकिन देखिए भी क्या वहाँ पर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये जो यार्ड स्टिक्स आपने बना रखे हैं अंडर 16 एनसीए या 19 वर्ल्ड कप या रणजी ट्रॉफी इतनी उम्र में, वो मिल रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच, मतलब आई विश वी कुड टॉक फॉर आवर्स। मैं आपसे मिलता रहूँगा, आपसे बातें जानता रहूँगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम एक और एक स्पेशल सेशन करेंगे, मे बी इट विल बी अ डिस्कशन, तो जिसमें हम और चीजें लाएं, एंड आई एम वेरी श्योर दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू अफेक्ट सो मेनी लाइव्स इन अ पॉजिटिव वे, इन अ ग्रेट पॉजिटिव वे। एनी टाइम, और मेरे को अच्छा लगेगा अगर मेरी किसी बात से इंस्पायर हो के या पेरेंट्स या बच्चे कुछ लाइफ में प्रैक्टिकल हो सके, तो इल्यूजन्स तो बहुत सारे हैं, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।